पृष्ठक्रम 380 है। यहाँ पर अवतारिकादिष्ट है की कृतियों का की काल प्रवचन कब बताने वाले हैं। सर क्षेत्र सर संख्या क्षेत्र और स्पर्श की प्रवृत्ति हुई है। अब यहाँ पर किसका कितना काल है, नारा जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा, जगन्य और उत्कृष्ट। इस प्रकार चार प्रकार से कार्य की प्ररोपणा होगी। एक एक का अपन लगाएंगे। कालानुगम से, कालानुगम से, कालानुगम से वो और आदेश की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार के। उनमें से वो की अपेक्षा औदारिक शरीर की संघातन कृति का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य व उत्कृष्ट एक समय काल है। औदारिक शरीर की संघातन कृति का ऐसा कोई एक समय नहीं है कि जिस समय कोई जीव पैदा नहीं हुआ है। इसलिए एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म जीव सतत पैदा होते रहते हैं। इसलिए संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण काल संपूर्ण रुद्धि है। तो नाना जीव की अपेक्षा सर्व काल है और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल कितना बताया, एक समय, क्योंकि एक ही समय संघातन होता है ना। और उत्कृष्ट काल भी कितना होगा, एक ही समय, क्योंकि एक ही समय संघातन होता है। इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अपेक्षा एक ही समय काल है संघात औदारिक शरीर के संघातन वृद्धि का। अब आगे एक जीव की अपेक्षा औदारिक वैक्रिक शरीर की परिशातन कृति का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल है। नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल में विक्रिया करने वाले कोई ना कोई जीव सतत पाए जाएंगे। इसलिए उस समय विक्रिया करते समय औदारिक शरीर का क्या होता है, परिशातन, और विक्रिया पूरी होने के बाद वैक्रिय शरीर का परिशातन। इसलिए इस दोनों काल इसमें दो नाना जीव सदा पाए जाएंगे। और एक जीव की अपेक्षा जगन्य से कितना काल बताए, एक समय, मतलब औदारिक शरीर विक्रिया प्रारंभ की एक समय हुआ, उसी समय औदारिक शरीर का परिशातन प्रारंभ हुआ और उसका मरण हो गया, तो कितना काल रहा जगन्य का, एक समय। उत्कृष्ट कितने काल तक होता है परिशातन, अंतर्मुहूर्त काल तक, उससे ज्यादा नहीं है एक जीव की अपेक्षा से। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन, वैक्रिक शरीर के परिशातन का भी वैसे लगाना, विक्रिया पूरी हो गई एक समय, वैक्रिक शरीर का परिशातन हुआ और मरण हो गया उसका, तो वैक्रिक शरीर का परिशातन का जगन्य काल कितना हो गया, एक समय, और उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। मतलब विक्रिया के समय औदारिक शरीर का परिशातन होगा और विक्रिया पूरी होने के बाद वैक्रिक शरीर का परिशातन, दोनों का काल उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही है और जगन्य काल दोनों का एक समय है। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन पुष्टि का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट एक समय का तीन पल्लोकम काल है। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति, नाना जीव तो सदा पाए जाएंगे औदारिक शरीर के संघातन परिशातन वाले, और एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय, कैसे लगाएंगे एक समय, विक्रिया प्रारंभ की विक्रिया पूरी हो गई और एक समय, जैसे वैक्रिक शरीर का परिशातन का एक समय लगा है ना, ऐसे औदारिक शरीर का संघातन परिशातन हुआ एक समय और वो मरण हो गया, तो वहां पर औदारिक शरीर का परिशातन संघातन परिशातन कितना रहा, एक समय ही रहा, बीच में वो हो गया था ना। और उत्कृष्ट काल कितना बताया, एक समय कम तीन पल, मतलब उत्कृष्ट आयुष्य मनुष्य रेंज में कितना है, तीन पल्लोकों में ना, भोग भूमि में। तो पहले समय क्यों कम किया, पहले समय में संघातन ही होता है, फिर दूसरे समय से संघातन परिशातन प्रारंभ हुआ, उस जीव ने कभी भी विक्रिया नहीं की तीन पल्लोकों काल तक, इसलिए लगातार उसका तीन पल्लोकों काल तक क्या हो गया, औदारिक शरीर का संघातन परिशातन हुआ। वैक्रिक शरीर की संघातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल है। यह उत्पत्ति जो होती है देव नारकियों में, हाँ, लगातार हुई तो एक समय हुआ और फिर अंतर आ गया, मतलब कोई जो उत्पन्न नहीं हुआ, तो नाना जीव की अपेक्षा भी यहाँ पर जघन्य काल कितना हुआ, एक समय, किसका, यह वैक्रिक शरीर का संघातन, मतलब देव नारकियों में वहां पर उत्पत्ति की अपेक्षा से।
या विक्रिया करने वाले जीव की अपेक्षा से भी हो सकता है। एक जीव नहीं उसी की अपेक्षा करे ना एक समय, क्योंकि उनका का तो काल यहाँ पर एक ईश्वर की परिशातन का निरंतर बताया है। और उत्कृष्ट काल कितना बताया, औलिक्य संख्या तो मैंने लगातार कोई ना कोई देव और नार के उत्पन्न होते रहे तो कितने काल तक होंगे, औलिक्य असंख्या उपक्रमण काल और आता है ना अनुपक्रमण काल, औलिका संख्या उपक्रमण काल है, फिर अनुपक्रम औलिका संख्या अनुपक्रमण काल है, फिर औलिका संख्या उपक्रमण काल है, उपक्रमण मतलब उत्पत्ति काल, वहां पर देवों की उत्पत्ति होती है नारियों की उत्पत्ति होती है, तो वह लगातार कितना है औलिका असंख्या, उसके बाद अंतर नियम से होगा इसलिए उत्कृष्ट काल बताया। और एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और उत्कृष्ट दो समय काल है। एक समय कैसे लगाया कि कोई मतलब पहले एक समय में व्यतिरिक्षर का संगतन हुआ तो जगने काल कितना हुआ एक समय, और उत्कृष्ट या दो समय बताया कैसे लगाएंगे इसको, कोई मनुष्य त्रियंच अंतिम समय में आयु के अंतिम समय में उसने उन्होंने विक्रिया उत्पन्न की, उस समय व्यक्ति का संगठन हुआ और मरण हो गया, उन्हें एक समय मरण हो गया, फिर वो कहा उत्पन्न हुआ देवयान आर्य में उत्पन्न हुआ रुजु गति से, वहां पर विक्रिया गति से नहीं रुजु गति से उत्पन्न हुआ तो तुरंत वहां पर व्यक्ति का संगठन हुआ, तो एक जीव का ही दोनों समय लगातार व्यक्ति शरीर का क्या हुआ संगठन हुआ। हाँ यहाँ पर ये उत्तर विक्रिया के शरीर की अपेक्षा से वैक्रिक संगठन हुआ और वहाँ देवयान आर्क्यम की उत्पत्ति हुई वहां पर वैक्रिक संगठन हुआ, इस प्रकार लगातार काल कितना रहा दो समय हुआ। वैक्रिक शरीर की संगठन परिशातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकालीन ये सदैव पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय और उत्कृष्ट से एक समय कम तैतीस सातों काल है। एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय ये मरण की अपेक्षा लगाना, कोई एक जीव ने विक्रिया की पहले समय में विक्रय का संगातन किया, दूसरे समय में विक्रय का संगातन परिशातन किया और मरण हो गया, तो फिर उसका विक्रय शरीर का संगातन परिशातन कितना काल रहा, एक ही समय रहा। और उत्कृष्ट से कितना है सातवें नरक में या सर्वार्थ सिद्धि में जो विक्रय शरीर का संगातन परिशातन होगा उसका काल कितना है एक समय कम तैतीस सातों, तो बीच में उन्होंने विक्रिया वो करे या ना करे उसका कुछ नहीं, उनका व्यक्तिगत शरीर का ही संगठन परिशातन होता है ना, विक्रिया करने वो मंद दशा ही है तो ऐसे कुछ करते हैं। परिशातन ही होता है तो वो नहीं किया जाता है। आहारक शरीर की संगठन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन से एक समय और उत्कृष्ट से संख्या समय काल है। एक जीव की अपेक्षा लगातार कोई ना कोई करते रहे तो ऐसे कितने काल तक होगा संख्या की, कुछ पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस इतने लगातार करेंगे आरक्ष शरीर का संगठन तो उतना संख्या समय काल दिया है, निश्चित ऐसा संख्या नहीं लेकिन लगातार कितने एक कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा संख्या समय। एक जीव की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट एक समय काल है। संगठन का हमेशा एक जीव की अपेक्षा एक ही समय होता है, केवल वैक्रिक का ही याद रखना वहां पर, यदि सामान्य जीव है मतलब जो देव और नार की दोनों और मनुष्य तिरंज सभी मार्ग ने उसमें गर्भित है तो उसमें वो दो समय बटेगा नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आरक मिश्र का युग में होगा। आगे तो क्या बताया, आरक शरीर का संगठन एक जीव की अपेक्षा एक ही समय जगन्य भी और उत्कृष्ट भी, आरक शरीर की परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल ही। ये तो अंतर्मूर्त ही होता है, कम से कम एक समय पहले जैसे अवतारिक का लगाया था वैसे आरक मूल शरीर में प्रवेश किया एक समय रहा और मरण हो गया, आरक का परिशातन एक समय हुआ और उत्कर्ष से कितना होता है अंतर्मूर्त काल। एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल है। हाँ इसका मरण, हाँ इसका मरण
आर्य शरीर का पुतला निकला तो उसमें शरीर में प्रवेश हो गया और एक समय रहा मर गया। आर्य शरीर के संघातन परिशापन कृति का नाना वो एक जीव की अपेक्षा जगन्य हुआ उत्कृष्ट से किया है हमने उसको सब उत्कर्ष है वहाँ पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट से किया है सब उस पेज पे वैसा है उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल है जगन्य भी काल किसका आरक्षण एक बार किया उत्पन्न हुआ तो पहले समय में संघातन हुआ तुरंत मरण नहीं होगा आरक मिश्र का युग में मरण नहीं है तो आरक मिश्र युग का काल कम से कम कितना है अंतर्मुहूर्त है इसलिए अंतर्मुहूर्त काल तक जगन्य भी उसका अंतर्मुहूर्त काल है उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त काल है आरक्षर के संघातन परिशातन कृति का जैसे वैग्रह के संघातन परिशातन एक समय हुआ और मरण हुआ वैसा आरक का नहीं होगा क्योंकि आरक मिश्र का युग में वहां मरण नहीं है। तेजस और कार्मण शरीर की परिशातन कृति का नाना व एक जीव की अपेक्षा जगन्य व उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल ही ये 14वें गुण स्थान में है ना तो नाना जीव की अपेक्षा भी जगन्य भी अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त मतलब संख्या समय होता है ना नाना वो एक जीव की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल है बराबर है वो 14वें गुण स्थान का काल ही कितना है अंतर्मुहूर्त है ना जगन्य उत्कृष्ट भेद है ही नहीं उसमें ये पांच रस स्वरूप चरण मात्र उसका काल है तो अंतर्मुहूर्त ही है। ऐसा 14वें गुण स्थान का दिया नहीं है कहाँ पर हाँ तो उसमें जगन्य और उत्कृष्ट का ऐसा भेद नहीं दिया है 14वें गुण स्थान का काल समान ही है ना सब जगह कम ज्यादा नहीं है इसलिए उतने पूरे गुण स्थान में परिशातन होता है ना आगे इनके संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित और अनादि सब पर्यवसित काल है अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है कभी सुप्रारंभ भी नहीं हुआ और कभी समाप्ति भी नहीं होगी और भव्य जीव की अपेक्षा अनादि है और शांत मतलब उसका अंत होगा इस अपेक्षा से अनादि सब पर्यवसित का अर्थ शांत लेना पर्यवसित मतलब अंत जिसमें अंत नहीं है वह अपर्यवसित और अंत सहित है वह सपर्यवसित। अब ये सामान्य से बताया अब मार्गणाओं में लगाएंगे गति मार्गणानुसार नरक गति में कौन से है वैकृक्षर का संघातन है नारा जीवन की अपेक्षा क्या होगा सर्वकाल होगा कि उसमें कितना होगा अभी जैसे ऊपर बताया था वैकृक्षर का संघातन जगन्य एक समय उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट नरक गति है इसलिए वो एक समय लगाना वहां पर मुक्ति या मनुष्य और वो देव नरक में करके वो दो समय हुआ था इसलिए यहाँ पर एक समय ही होगा वैकृक्षर का संघातन वैकृक्षर का संघातन परिशातन अब यहाँ सामान्य नरक की अपेक्षा कितना लगेगा 33 साल एक समय कम 33 साल उत्कृष्ट और जगन्य कितना 10,000 वर्ष एक समय कम 10,000 वर्ष होगा हाँ चार कम से कम करना है ना तो दो मोड़े से उत्पन्न करना वहां जितना जगन्य हो सकता है उतना जगन्य करना है ना तो दो मोड़े से उत्पन्न करना और एक समय संघातन का होगा ऐसे तीन समय कम सब जगह ऐसे आएगा वहां पर जगन्य काल लेते समय मोड़ा जितना ज्यादा हो सकता है ना उतना मोड़ा लेना और उतना कम करना उसमें और उत्कृष्ट करना है तो रुजुगति से उत्पन्न करके पहले समय में संघातन करना तो एक समय कम 33 साल होगा और तेजस कर्मान का संघातन परिशतन पूर्ण 33 सागर जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 साल और नरक के हिसाब से क्या होगा जो जो अब नरक है पहले नरक में जगन्य कितना होगा 10,000 तीन समय कम 10,000 और उत्कृष्ट एक समय कम 1 साल वहां पर एक समय कम ही करना एक समय अधिक किया क्या एक समय कम ही है ना 1 साल फिर दूसरे नरक में
वहां पर एक सागर अधिक एक समय क्या है जगन्याय, एक समय अधिक एक समय, उसमें से क्या करेंगे दो समय कम, तीन समय, तीन समय दो समय एक समय अधिक हो जाएगा, दो समय माइनस करेंगे एक समय संघातन का हो जाएगा। हाँ तो दो समय कम करेंगे ना उसमें, एक सागर अधिक एक समय है तो उसमें तीन समय कम करेंगे तो दो समय कम एक सागर जगन्य होगा, और उत्कृष्ट एक समय कम और तीन सागर, तीन संघातन करो, दूसरे दो समय कम है वही बोल रहे ना मैं, हाँ एक और एक समय है इसमें से तीन समय कम करेंगे ना, दो समय विग्रह गति का और एक समय संघातन का, एक समय एक प्लस और दो माइनस तीन माइनस तो दो माइनस हो जाएगा, दो समय कम एक सागर, दो समय कम तीन सागर, दो समय कम सात सागर, दो समय कम दस सागर, दो समय कम बाईस सत्रह सागर, फिर बाईस सागर, ये जगन्य होगा। और उत्कृष्ट जो है एक समय कम तीन सागर सात सागर दस सागर सत्रह सागर बाईस सागर और तैतीस सागर, ऐसे सात पृथ्वियों का होगा। पढ़ो आदेश की अपेक्षा गति मार्गानुसार नरक गति में नारकियों ने विग्रह शरीर की संघातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से भाग प्रमाण काली, एक जीव की अपेक्षा जगन्य व उत्कृष्ट से एक समय काली, वैग्रेक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाली, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से तीन समय कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एक समय कम 33,000 वर्ष काली, तेजस व कार्मा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम काल है। प्रथम कम कर रही पहले समय से लेकर अंतिम समय तक है। प्रथम पृथ्वी में वैग्रेय शरीर की संघातन कृति की काल प्ररूपणा सामान्य नारकियों के समान है, इसी प्रकार सर्व पृथ्वियों में समझना चाहिए। वैक्रेक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से तीन समय कम 10,000 वर्ष और एक समय कम एक सागरोपम काल है। तेजस्व और कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल की प्ररूपणा नारकियों के समान है, उत्कृष्ट काल एक सागरोपम है। द्वितीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकियों में वैग्रेय शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से क्रमशः दो समय कम एक सागर, दो समय कम तीन सागर, दो समय कम सात सागर, दो समय कम 10 सागर, दो समय कम 17 सागर और दो समय कम 22 सागर काल है। उत्कृष्ट से एक समय कम 3 सागर, एक समय कम 7 सागर, एक समय कम 10 सागर, एक समय कम 17 सागर, एक समय कम 22 सागर और एक समय कम 33 सागर काल है। मतलब जगन्य में क्यों कम क्या है समझ में है ना, जगन्य कम से कम करना है इसलिए मोड़ा लेकर के उसको उत्पन्न किया, और ज्यादा से ज्यादा काल लेना इसलिए रुजु गति से लिया, क्योंकि काल बढ़ जाएगा ना उसमें संघातन का कम नहीं होगा, संघातन परिशातन का, इसलिए वहां पर रुजुगति से उत्पन्न कराना उत्कृष्ट काल में हो गए। तेजस और कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से क्रमशः एक समय अधिक एक सागर, एक समय अधिक 3 सागर, एक समय अधिक 7 सागर, एक समय अधिक 10 सागर, एक समय अधिक 17 सागर और एक समय अधिक 22 सागर काल है। पिछले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो अगले की जगह एक समय अधिक करके जगह जो होती है, उत्कृष्ट से 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम काल है। तिरेन चतुर्थी में लगाना है तेजस कार्बन का तो विग्रह गति में भी होता ही है ना,
इसलिए वहां पर पूरा भर लिया। पैसा कुछ नहीं, पैसे भी हो मतलब विग्रह गति से हो या रुजु गति से, उत्कृष्ट जो वैग्रह के संघातन प्रशासन का कार्य लेना है वहां पर रुजु गति से उत्पन्न किया, और जगन लेना है वहां दो मोड़ा लेकर के उत्पन्न करना है, क्योंकि वहां पर वो कम करना है काली, इसलिए तिरंज गति में बता रहे। तो तिरंज गति में अवतारी शरीर की संघातन कृति क्या होगी वहां पर, नाना जीव की अपेक्षा सदैव और एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट जगन, दोनों भी एक औदारिक शरीर की संघातन परिषातन कृति, यहाँ पर भी नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है और एक जीव की अपेक्षा क्या होगा जगन्य एक समय और उत्कृष्ट तीन पले, वही आएगा तीन तीन पले है ना वहाँ पर उत्कृष्ट है, एक समय कम तीन समय औदारिक शरीर की परिषातन कृति वो भी और वैदिक शरीर की परिषातन कृति वाले भी जीव हमेशा रहेंगे, तो नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर। और वैदिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपणा नारकियों के समान है, मतलब वहां पर जगन एक समय और उत्कृष्ट अवेगा असंभव। संघातन के लिए वो देते हैं संघातन और परिषातन अंतर्मुहूर्त काल तक होता है ना, संघातन परिषातन और परिषातन और लेकिन उत्पन्न करने की अपेक्षा से वहां पर अंतर आता है, मतलब किसी जो ने अभी विक्रय उत्पन्न की तो लगातार अवलिक संख्या पे भाग काल तक कोई ना कोई जीव वैकरिक शरीर के उत्तर विक्रय करता रहेगा, फिर उसके बाद अंतर होगा, मतलब यह मनुष्य तिरंजी की अपेक्षा भी वैकरिक संघातन परिषातन निरंतर होगा कोई ना कोई जीव, क्योंकि उसका बड़ा काल है ना अंतर्मुहूर्त, और संघा परिषातन भी औदारिक का वो भी जीवों की अपेक्षा हम सदा सर्वकाल होगा और वैकरिक शरीर का परिषातन भी सर्वकाल होगा, लेकिन वैकरिक शरीर का संघातन जो है उसमें अंतर पड़ेगा, उसमें जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अवलिक का असंख्यात होगा। तिरियंच गति में औदारिक शरीर की संघातन कृति व संघातन परिशाखन कृति तथा औदारिक व वैग्रहिक शरीर की परिशाखन कृति की काल प्ररूपणा और के समान है, वैग्रहिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपणा नारकियों के समान है, वैग्रहिक शरीर की संघातन परिशाखन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल है, तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशाखन नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा जगन से एक शुद्र भव ग्रहण, तिरंजी की सबसे छोटी पर्याय कौन सी है शुद्र भव ग्रहण, गति में गया तिरंजी गति मार्ग ना कही जाएगी ना, और असंख्या पुद्गल परिवर्तन मतलब अनंत काल तक तिरंजी गति से निकला नहीं नई केंद्रीय पर्याय से, तो उस समय तक तेजस कार्बन की संघातन परिशाखन निरंतर चालू ही रहेगा, इसलिए वह संख्या पुद्गल परिवर्तन काल बताया है, मतलब उसकी यहाँ पर जो आएगा ना हमेशा तेजस कर्मण के संघातन पुरुषातन में उस मार्गना का काल आएगा, जो भी मार्गना का उत्कृष्ट काल है ना वो पूरा आएगा, क्योंकि उस मार्गना में वो लगातार होगा ही, नरक गति में तो एक ही पर्याय होता है लगातार अनेक पर्याय नहीं है, इसलिए तेजस सागर बताया उस मार्गना का जो काल है ना वो सब तेजस कर्मण के संघातन पुरुषातन वृद्धि का उत्कृष्ट काल होगा। औदारिक व वैग्रहिक शरीर की संघातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल है, वहाँ निरंतर उत्पत्ति नहीं होती है, एक इंद्रियों की निरंतर उत्पत्ति है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव है मनुष्य है या तो ये है देव है नारकी है, इनकी उत्पत्ति निरंतर नहीं है, इसलिए वहां पर जगन्य काल एक समय के बाद अंतर भी पड़ेगा, या लगातार हुए तो अवले के असंख्यात भाग काल तक कोई ना कोई पंचेंद्र तिरंज उत्पन्न होंगे, उसके बाद नियम से क्या होगा अंतर होगा। और एक जीव की अपेक्षा जगन्य व उत्कृष्ट से एक समय काल, औदारिक शरीर की परिशाखन कृति और वैग्रहिक शरीर की संघातन परिशाखन कृति तथा परिशाखन कृति की प्ररूपणा तिरंजों के समान है, जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, क्योंकि तिरंज में वो उसका वैग्रहिक का वो होगा तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है ना,
इसलिए अंतर्मुक्त होगा। औदारेश्वर का संगातन परिषातन की कृति की प्ररूपना ओग के समान है। एक समय कम तीन पद्य उत्कृष्ट। तेजस व कार्मण शरीर की संगातन परिषातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा और इसका काल कितना आएगा? यहाँ पर पंचेंद्र तिरंज पुनः पुनः उत्पन्न हुआ तो कितने काल तक हो सकता है लगातार? हाँ, 95 करोड़ और 3 पर्य लगातार तिरंज पर्य में पंचेंद्र में असौधि सौधि सब मिला करके उस दिन लगाया था ना ऐसे 8-8 ऐसे तो 95 करोड़ और 3 पर्य कोई पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 3 पर्य रहते हैं। पंचेंद्र तिरंज पर्याप्त में अवधारी शरीर की संघातन कृति की प्ररूपणा पंचेंद्र तिरंजों के समान है। अवधारिक शरीर की संघातन परिशासन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से 3 समय कम शूद्र शूद्रा भव ग्रहण शूद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तथा उत्कृष्ट से 1 समय कम अंतर्मुहूर्त काल है। पर्याप्त में एक ही भव लिया तो वहाँ पर कम से कम कितने काल तक होगा? 3 समय कम किए मतलब वहां पर क्या लेंगे? हाँ, 2 मोड़ा लेकर के और 1 औदारी के संघातन किया, ऐसे 3 समय शुद्र भूमि से कम किए उतना कम से कम वहां पर औदारी शरीर का संघातन परिशातन होगा और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त 1 समय तो लगातार अपर्याप्त अपर्याप्त हुआ नहीं, वो तो एक ही भाव का लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में औदारी का संघातन होगा ही ना, लगातार नहीं होगा तो एक ही भाव का लेकिन बड़ा भाव लेना, उसमें 2 अपर्याप्त के काल समान नहीं है सबका। छोटा शुद्र भाव ग्रहण है और उससे अपर्याप्त का बड़ा भी भाव है वो, इसलिए उसको अंतर्मुहूर्त शब्द से कहते हैं। हाँ, संघातन का कम किया रुजुगति से उत्पन्न करना और पहले समय में संघातन करना तो 1 समय कम अंतर्मुहूर्त है उत्कृष्ट काल अपर्याप्त में। और तेजस कार्मण संघातन का ही अंतर्मुहूर्त बढ़ा ले सकते हैं पुनः पुनः, जैसे तिरंज में कितने हुए सब 64,000 वो भी तिरंजी है पंचेंद्र तिरंज बताने ना, तो पंचेंद्र तिरंजी के 8 सौधनी के और 8 असौधनी के तो 16 होगी, 16 बार वो अपर्याप्त लगातार हो सकता है तो बड़ा अंतर्मुहूर्त लेना। यहाँ पर औदारी के संघातन परिशातन में छोटा अंतर्मुहूर्त एक ही भोग का आएगा और इसमें 16 भोग मिलकर के जो होगा अंतर्मुहूर्त वो लेना क्योंकि तेजस कर्म पंचेंद्र में अपर्याप्त के भोग कितने होते हैं? पंचेंद्र तिरंज अपर्याप्त मार्गना का काल कितना है? तो 16 अंतर्मुहूर्त है, पुनः पुनः वो अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ लगातार तो पंचेंद्र में 24 भाव है उसमें 8 सौधनी के 8 असौधनी के 8 मनुष्य के, हाँ तो अंतर्मुहूर्त तो उसमें 16 अंतर्मुहूर्त लगातार काल रहा। अब मनुष्य गति में बताएंगे, मनुष्य गति में मनुष्यों में मनुष्य गति में मनुष्यों में औदारिक शरीर के 3 पद वैदिक शरीर की परिशातन व संघातन परिशातन कृति तथा तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति की काल प्ररूपणा पंचेंद्र तिरंजों के समान है। जैसे वह लगाया है 1 समय औदारिक शरीर का संघातन का संघातन परिशातन का 1 समय कम 3 पल्य उत्कृष्ट, सब में जगने तो 1 समय है, जगने काल 1 समय ही आएगा सबका और आरक संघातन परिशातन का तो अंतर्मुहूर्त है जगन्य भी और उत्कृष्ट भी और तेजस कारमन का संघातन परिशातन का कितना आएगा? यहाँ पर 47 करोड़ और 3 पल्य करोड़ पृथ्वी 3 पल्य मनुष्य गति में, मनुष्य गति का पुनः मनुष्य 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 हुआ तो कितनी बार हो सकता है वहां पर? 47 करोड़ और 3 पल्य तक वो तेजस कारमन का संघातन परिशातन। तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति की वैग्रहिक आहार शरीर की संघातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से संख्या समय काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से मनुष्य संख्या थे ना करने वाले इसलिए उसका लगातार
अवलिका संख्या तो बहुत नहीं लेना, कितना लेना संख्या समय, विक्रयादि की तो संख्या थी मनुष्य है ना, तो लगातार की तो भी संख्या थी समय होंगे, और आहार का भी लगातार हुआ तो संख्या की समय है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से वो उत्कृष्ट से एक समय काली आहार तेजस और कार्मण शरीर की परिशाकन कृति तथा आहार शरीर की संघातन परिशाकन कृति की प्ररूपणा ओ के समान है। मनुष्य पर्याप्त के परिशाकन और संघातन परिशाकन कृति एक जीव के अपेक्षा अंतर होता है, नाना जीव के अपेक्षा सर्वकालीन है, नाना जीव के अपेक्षा सर्वकालीन है, कोई ना कोई मनुष्य विक्रिया उत्पन्न कर रहा है ऐसा सर्वकाल हो सकता है। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नियमी औदारिक विक्रियक और आहार शरीर की संघातन कृति का नाना विद्याधर वगैरह ना ज्यादा विक्रिया करते हैं सब मनुष्यों में, चक्रवर्ती भी है। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नियमी औदारिक विक्रियक और आहार शरीर की संघातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से संख्या समय काल की। एक जीव की अपेक्षा जघन्य व उत्कृष्ट से एक समय काल की। शेष पदों की प्ररूपणा मनुष्यों के समान है, विशेष इतना है कि तेजस्व कार्मण शरीर की संघातन परिशाकन कृति का जघन्य से अंतर्मुक्त काल है और उत्कृष्ट में तेजस्व कार्मण मनुष्य नियमी एक अंतर्मुहूर्त का ही जगन्य काल लेना वहां पर। मनुष्य पर्याप्त का जगन्य आयु कितनी है अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त वहां मनुष्य गति सामान्य में शूद्र भवग्रहण है, जहाँ पर अपर्याप्त है वहां पर शूद्र भवग्रहण लेना, जहाँ पर्याप्त है वहां अंतर्मुहूर्त लेना। अंतर्मुहूर्त की जगन्य आयु लेकर के उत्पन्न हुआ है तो अंतर्मुहूर्त काल तक होगा, और उत्कृष्ट उसकी मार्गना का काल कितना है 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल। खाली मनुष्य पर्याप्त ही लेना है तो 8 नपुंसक के 8 स्त्री के 8 पुरुष के, तो उसमें अंतिम 3 पल्ले का लेना। इस प्रकार 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले, यहाँ पर उन्होंने सामान्य पूर्व कोटि पृथक कर 3 पल्ले दिया है सब जगह, लेकिन वहाँ अलग अलग होगा। मनुष्य नियम में कितना होगा 3 पल्ले अधिक 7 पूर्व कोटि होगा, क्योंकि वहाँ 8 पूर्व 8 भव स्त्री के है तो 7 पूर्व कोटि के भव लेना और एक अंतिम भव 3 पल्ले का। अगर उसको अपर्याप्त कहते हैं उसी को अपर्याप्त मनुष्य कहते हैं। मनुष्य नियम में आहारक पद नहीं होता। मनुष्य पर्याप्तों में अवतारिक शरीर के संघातन कृति की काल प्ररूपणा पंचेंद्रियों के समान है। संघातन परिशाकन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से 3 समय कम शूद्र ग्रहण और उत्कृष्ट से पल्ल पंखा संख्या का भाग काल ही, मतलब नाना जीव की अपेक्षा भी अवधारी शरीर का सांतर मार्ग ना ये मनुष्य अपर्याप्त मार्ग ना जो है सांतर मार्ग ना है, तो एक कोई जीव उत्पन्न हुआ तो वो शूद्र भव ग्रहण प्रमाण रहेगा, तो उसका अवधारी शरीर का संघातन परिशाकन कितना होगा 3 समय कम शूद्र भव ग्रहण, फिर वह अंतर पड़ गया कोई भी उत्पन्न ही नहीं हुआ तो कितने काल तक उत्पन्न नहीं होगा, काल काल लगातार पल्लवों का संख्या तो अभाव है, रामतर भी वो पल्लवों का संख्या तो अभाव है, दोनों भी पल्लवों का संख्या तो अभाव है, उपक्रमण काल नहीं अवलिका संख्या तो उपक्रमण काल होता है, और उस मार्गना का काल जो है लगातार नाना जीवों की अपेक्षा पल्लवों का संख्या तो अभाव लगातार रहे तो पल्लवों की असंख्या के भाग काल तक ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। कम से कम शुद्ध एक ही शुद्र भव ग्रहण लेकर के अंतर पड़ सकता है, या पुनः पुनः कोई ना कोई उत्पन्न होता रहा, बीच में उपक्रमण काल अवलिका संख्या पर भागव समय उत्पन्न होंगे तो उनकी आयु जो है उसके पहले और दूसरे उत्पन्न हो गए, उनकी आयु खत्म होने के पहले, फिर उनकी आयु खत्म होने के पहले और कोई जीव उत्पन्न हुए, इस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती, उत्पत्ति का तो बीच में अंतर आएगा, अवलिका संख्या तो भाग जाने के बाद नियम से अंतर आएगा, लेकिन उतना अंतर छोड़ करके वापिस, क्योंकि ये अवलिका संख्या का भाग मतलब बहुत छोटा है और ये श्वास का अठारहवां भाग जो शुद्र भव ग्रहण है वो बड़ा है, तो उसमें पुनः पुनः अनेक उपक्रमण काल होते हैं,
तो लगातार ऐसा कोई ना कोई जीव रहा, ऐसा कितना काल तक हो सकता है? पुल्लपम का असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक कोई ना कोई मनुष्य पर्याप्त रहे, ऐसा हो सकता है। और कोई नहीं रहे ऐसा भी अंतर में आएगा, वहां पर पुल्लपम का असंख्यात एक जीव की अपेक्षा जगन से तीन समय कम शूद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से एक समय कम अंतर्मुहूर्त कालहीन। एक जीव की अपेक्षा एक अंतर्मुहूर्त का ही बहुत है। तेजस व कार्म शरीर की संगात परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक शूद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से पल्लपम का असंख्यात अभाव कालहीन। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक शूद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कालहीन। देवगति के देवगति में देवों देवगति में क्या होगा? नरगति के समान ही सब होगा ना, मतलब उसमें भी 10,000 वर्ष और 3 समय कम ये जगन्य होगा। और वैक्रिय शरीर का संघातन परिशातन, वैक्रिय शरीर का संघातन कितना काल होगा? नाना जोम की अपेक्षा नाना जोम की उत्कृष्ट काल अवलिका संख्या। और एक जोग की अपेक्षा जगन्य भी एक समय और उत्कृष्ट भी एक समय। और वैक्रिय संघातन परिशातन का जगन्य काल जगन्य कितने? 10,000 उसमें से 3 समय कम करना और उत्कृष्ट 33,000 उसमें से 1 समय कम करना। वैसे फिर अलग अलग देवों की अपेक्षा जितने आयु है वैसे नीचे नरक में लगाई ऐसे ऊपर स्वर्गों में 1 सागर 3 सागर वगैरह जो आयुष्य है उसमें पहले इसमें क्या करना? 2 समय कम करना, मतलब जगन्य काल में 2 समय कम करना और उत्कृष्ट काल में उत्कृष्ट आयु में 1 समय कम करना, क्योंकि 1 समय अधिक जगन्य आयु होगी तो उसमें 3 समय कम करेंगे तो 2 समय कम 1 सागर 2 समय कम 3 सागर ऐसा होगा। देवव्रति में देवों की काल प्रवर्तना नाथियों के समान है। भुवनवासी वानवंतर और ज्योतिषी देवों में वैग्रह शरीर की संघातन कृति के काल की प्रवर्तना देवों के समान है। संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन से क्रमशः 3 समय कम 10,000 वर्ष 3 समय कम 10,000 वर्ष और 3 समय कम पल्लवम का 8वां भाग काल। तीनों के क्रम से लगे भुवनवासी का वंतर वानंतर दोनों की 10,000 वर्ष जगन्य आयु है और ज्योतिष के जगन्य आयु कितनी है? पल्लवम का 8वां भाग। इसमें आता है सत्वा सूत्र में अष्ट भागों पर तथा उत्कृष्ट से साधिक 1 सागरोपम साधिक 1 पल्लवम साधिक 1 पल्लवम काल। भुवनवासी के आयु 1 सागर है, वानवंतर की 1 पल्लवम है, ज्योतिष के वासी की उत्कृष्ट आयु 1 पल्लवम है सादिक, उसमें वो घातायुष का जीव है उसका वो पल्लवम का संख्या तो भाग अधिक मिलता है। तेजस्व कार्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा अपने अपने जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल है। सौधर्म व ईशान कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक वैक्रिय शरीर की संघातन कृति की काल प्रवृत्ति देवों के समान ही सब जगह संघातन समान ही लगा है। एक समय नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट अवलिका असंख्यात वैक्रिय शरीर की संघातन उसमें 13वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग तक लगेगा, आगे संख्यात समय ही आएगा। वैक्रिय शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से 1 पल्लवम तथा 2, 7, 10, 14 और 16 सागरोपम से कुछ अधिक काल है। यहाँ पर वो का समय कम करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर वहाँ ऊपर ज्यादा है ना, आधा सागर अधिक होता है तो उसी में वो सादिक में कुछ करना तो 3 समय कम करना है ना सादिक में कम हो जाएंगे। उत्कृष्ट से 2, 7, 10, 14, 16 और 18 सागरोपम से कुछ अधिक काल देख रहे हैं इसमें भी एक समय कम वो आ जाएगा। तेजस व कार्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा अपने अपने कल्प की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण काल है। आनंद कल्प से लेकर 9 ग्रह तक वैक्रिय शरीर की संघातन कृति का काल मनुष्य पर्याप्त के समान है। एक समय जगन्य और उत्कृष्ट संख्या समय वहाँ पर ऊपर के स्वर्गों में उत्पत्ति जल्दी जल्दी नहीं होगी, मतलब ज्यादा समय तक नहीं होगी तो
उनकी कमजोर उत्पन्न होते हैं। त्रिवेंचों में से केवल सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों में से मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन कम ही, मनुष्य संख्या की है इसलिए संख्या समय ही उसका लगातार उत्पत्ति का कारण है। इस शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से आनत प्राणत कल्प में 18 सावरोपम से कुछ अधिक तथा इसके आगे क्रमशः 2 समय कम 20, 2 समय कम 22, 2 समय कम 23, 2 समय कम 24, 2 समय कम 25, 2 समय कम 26, 2 समय कम 27, 2 समय कम 28, 2 समय कम 29 और 2 समय कम 30 सावरोपम काल है। उत्कृष्ट से क्रमशः 1 समय कम 20, 1 समय कम 22, 1 समय कम 23, 1 समय कम 24, 1 समय कम 25, 1 समय कम 26, 1 समय कम 27, 1 समय कम 28, 1 समय कम 29, 1 समय कम 30 और 1 समय कम 31 सावरोपम काल है। तेजस और कारण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जो की अपेक्षा समय कम है वो नहीं करना, जितनी वो है एक समय अधिक जो है वो लगाना पूरा। तेजस और कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा उसका काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट सिद्धि प्रमाण कहना चाहिए। दिशाओं से लेकर अपराजित विमान तक वैदिक शरीर की संघातन कृति के काल की प्ररूपणा मनुष्यों के समान है। वैदिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगने से 2 समय कम 31 व 2 समय कम 32 सावरोपम काल है। नौ अलग दिशाओं में उत्कृष्ट आयु कितने 32 सावरोपम और जगने आयु कितने 31 सावरोपम अधिक 1 समय, तो उसमें से 2 समय कम किया और 32 सागर में से 1 समय कम किया। उत्कृष्ट से 1 समय कम 32 और 1 समय कम 33 सागरोपम काल चार अंतर में। तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा उसका जगन्य व उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जगन्य व उत्कृष्ट सिद्धि प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धि विमान में वैग्रह शरीर की संघातन कृति की काल प्ररूपणा मनुष्य पर्याप्तों के समान है। संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन से 3 समय कम 33 सागरोपम तथा उत्कृष्ट से 1 समय कम 33 सागरोपम काल है। वहाँ पर उत्कृष्ट आयु भी और जगन आयु भी 33 सागरोपम की सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य लेने के लिए मोड़ा लेकर के उत्पन्न करना, दो मोड़ा लेकर के वहाँ उत्पन्न हुआ तो 33 सागर माइनस 3 समय हुए और रुजु गति से उत्पन्न हुआ तो उत्कृष्ट काल हुआ, तो 2 समय बढ़ गए उसके, तो 1 समय कम 33 सागर उसके वैकृत शरीर के संघातन परिशातन कृति होगी और पूर्ण 33 सागर तेजस कारमान की संघातन परिशातन कृति होती है। तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है और एक जीव की अपेक्षा अपनी अपनी स्थिति प्रमाण काल है। एकेंद्रीय जीवों में औदारिक आदि शरीर में केंद्र चालू है, इंद्रिय मार्ग प्रति मार्ग न समाप्त हुए। एकेंद्रीय जीवों में औदारिक आदि शरीरों की कृतियों के काल की प्ररूपणा त्रियंचों के समान है। विशेष इतना है कि उनमें औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा जन्म से 1 समय और उत्कृष्ट से 1 समय कम 22,000 वर्ष काल है। एकेंद्र में एक पर्याय का उत्कृष्ट काल बाजर उसमें पृथ्वी का एक जीव में कितनी आयु है 22,000 वर्ष, 1 समय कम 22,000 वर्ष वहाँ उत्कृष्ट काल, इससे उत्कृष्ट आयु नहीं है इसलिए 1 समय कम 22,000 वर्ष वहाँ। बादर एकेंद्रीय जीवों में काल की प्ररूपणा एकेंद्रियों के समान है। तो बादर की अपेक्षा है ना 22,000 वर्ष, सूक्ष्म की अपेक्षा तो अंतर्मूर्ति होता है। विशेषता केवल इतनी है कि विशेषता केवल इतनी है कि इनमें तेजस्व कार्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र काल है, जो काल असंख्यात उत्सर्पणियों के काल प्रमाण है। अभी अपने तेरे पुस्तक पढ़े थे उसमें भी कृति कर्म का अधिक अपने कर्म का देखा था ना, वो लगातार काल एक केंद्र हुआ तो अनंत काल तक होगा। बादर में ही वो
घुमा तो कितना काल घूम सकता है, अंगुल का असंख्यात बाबूला, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिण और अवसर्पिण परिभ्रमण कर सकता है, और सूक्ष्म बादल मिलकर के किया तो असंख्या उद्गर परिवर्तन है, और केवल बादल पर्याप्तता हुआ तो संख्या हजार वर्ष होगा, बादल में भी पर्याप्त कभी अपर्याप्त ऐसा हुआ तो अंगुल का असंख्या होगा, उसके केंद्रों के मार्गना में देखना। इसी प्रकार बादल एक पर्याप्त उनके कहना चाहिए, विशेष इतना ही कि तेजस्व कर्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से संख्या हजार वर्ष कार्य है, संख्या हजार वर्ष पुनः पुनः बादल पर्याप्त हुआ तो कितना हो सकता है संख्या बादल, मतलब संख्या हजार वर्ष उसके हो सकते हैं। बादल एक अपर्याप्त होगी काल प्रवृत्ना पंचेंद्रिय तिरे च पर्याप्तों के समान है, विशेष इतना है कि इनमें औदारिक शरीर की संघातक कृति के काल की प्रवृत्ना के समान है, सूक्ष्म एकेंद्रियों में औदारिक शरीर की संघातन सर्व काल है ना, माना जीवों की अपेक्षा सदैव पर्याप्त जीव उत्पन्न होते हैं केंद्रियों में, इसलिए सर्व काल है, इसलिए वो ओके समान ऐसा होता है, और हमेशा अपर्याप्त जो है उसके भव कम ही होते, मतलब शुद्र भव उसका जगन आयु और उत्कृष्ट आयु अंतर्मूर्त, और लगातार पुनः अपना अपर्याप्त में हुआ तो भी कितना होगा अंतर्मूर्त काल तक ही होगा, कम से कम शुद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल ही, ज्यादा काल नहीं घूम सकता है केवल अपर्याप्त में। सूक्ष्म एकेंद्रियों में औदारिक शरीर की संघातन कृति के काल की प्ररूपणा तिरेंचों के समान है, सूक्ष्म एकेंद्रियों में, सूक्ष्म एकेंद्रियों में औदारिक शरीर की संघातन कृति के काल की प्ररूपणा तिरेंचों के समान है, सर्वकाल है इसका, औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन से चार समय कम शुद्र भूग्रहण तथा उत्कृष्ट से एक समय कम अंतर्मूर्त काल है, सूक्ष्म जीव जो है वो तीन मोड़ा लेकर के उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ उनके तीन मोड़ा के और एक संघातन का, इस प्रकार चार समय कम, जहाँ पर भी सूक्ष्म जीव गर्भित होंगे ना वहाँ पर शुद्र भव माइनस चार समय करना जगने का, और जहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं है तो वहाँ पर शुद्र भव माइनस तीन समय जगने का। तेजस्व कर्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगने से शुद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण काल, पुनः पुनः सूक्ष्म पर्याप्त 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 में ऐसा घुमा सूक्ष्म में ही तो कितने काल तक घूम सकता है, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, खाली पर्याप्त पर्याप्त हुआ तो अंतर्मूर्त काल ही घूमेगा, खाली अपर्याप्त पर्याप्त घुमा तो अपर्याप्त अंतर्मूर्त ही काल रहेगा, लेकिन अंतर्मूर्त पर्याप्त अंतर्मूर्त अपर्याप्त अंतर्मूर्त पर्याप्त अंतर्मूर्त अपर्याप्त ऐसा कितना लगातार रह सकता है सूक्ष्म पर्याय में असंख्यात लोक प्रमाण काल, सूक्ष्म में बादलों में कम है और सूक्ष्म में ज्यादा है, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों में औदारिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपणा तिरेंचों के समान है, संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन से चार समय कम अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से एक समय कम अंतर्मूर्त काल, अंतर्मूर्त क्यों दिया चार समय कम अंतर्मूर्त क्यों दिया, शुद्र भव ग्रहण क्यों नहीं दिया, पर्याप्त है पर्याप्त है तो वहाँ शुद्र भव ग्रहण आएगा, पर्याप्त है तो वहाँ पर अंतर्मूर्त आएगा, क्योंकि वो शुद्र भव ग्रहण उसका आयु नहीं होती उससे बड़ी होती है इसलिए अंतर्मूर्त देते हैं, तो चार समय कम अंतर्मूर्त सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त हो और उत्कृष्ट से एक समय कम अंतर्मूर्त का। तेजस्व कर्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है ना, जगन से भी कितना हुआ अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तों में लगातार रहा तो कितने काल तक रह सकता है अंतर्मूर्त काल तक, उसकी आयु भी एक आयु भी अंतर्मूर्त है, और ऐसे कुछ बोलिए तो भी वो अंतर्मूर्त में पूरे हो जाएंगे।
बड़ा छोटा अंतर्मुर्त, जगन है छोटा अंतर्मुर्त और उत्कृष्ट है वो बड़ा अंतर्मुर्त है, और सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तों की प्ररूपना बाधर एकेंद्रीय अपर्याप्तों के समान है। विशेष इतना है कि अवधारित शरीर की संघातन परिशातन कृति का जननी काल 400 में कम शूद्र भव ग्रहण प्रमाण है। अंतर्मूर्त है ना, यहाँ पर अपर्याप्त होने से शुद्ध तीन समय कम किए, बादर में तो तीन समय ही कम करते हैं, यहाँ चार समय कम किए, वही देखते हैं तो अपर्याप्त और अपर्याप्त ही है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म में उत्पन्न होता है तो ये वहां पर तीन मोड़े होते हैं, इसलिए वहां पर ही चार समय कम करना। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और उनके पर्याप्त जीवों की अवधारित शरीर संबंधी संघातन कृति की प्रेरणा पंचेंद्रिय त्रियेंद्रियों के समान है। संघातन संघातन का कितना होगा, एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात होगा, और वह एक शरीर का संघातन अवधारित शरीर का संघातन परिशातन कितना होगा, सर्वकाल नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा शुद्र भवग्रह में तीन समय कम और उत्कृष्ट द्विंद्रिय में कितना होगा, अलग अलग होगा ना। द्विंद्रिय की आयु कितनी है, 12 वर्ष, त्रिंद्रिय की 49 दिन और चतुरिंद्रिय की 6 माह, तो उसमें एक एक समय कम करना। और पूर्ण जगन्य आयु और पूर्ण उत्कृष्ट आयु जगन तेजस कारमान के संघातन परिशातन का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल होगा। संघातन परिशातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से 3 समय कम, 3 समय नहीं है देखना है वहां पर, एक जीव की अपेक्षा जगन से 3 समय कम शुद्र भव ग्रहण मात्र और 3 समय कम अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट से क्रमशः 1 समय कम 12 वर्ष, 1 समय कम 49 ने सामान्य की अपेक्षा 3 समय कम शुद्र भव ग्रहण देना, पर्याप्त की अपेक्षा 3 समय कम अंतर्मुहूर्त क्रम से लेना है। उत्कृष्ट से क्रमशः 1 समय कम 12 वर्ष, 1 समय कम 49 रात्रि दिन, 49 रात्रि दिन, 49 रात्रि दिन, 1 समय कम 6 मास काल है। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय से क्रम से लगाना। तेजस और कारमन शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन से क्षुद्र भव ग्रहण और चाहिए वहाँ पर मात्र, क्षुद्र भव ग्रहण मात्र और अंतर्मुहूर्त, क्षुद्र भव ग्रहण मात्र एक जीव की अपेक्षा जगन से शुद्र भव ग्रहण और अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से संख्या 1000 वर्ष काल में। उक्त अपर्याप्त जीव की प्ररूपना पंचेंद्रिय त्रिवेंच अपर्याप्तों के समान है, वहां पर क्रम से लगाना है, सामान्य की शुद्र भव ग्रहण और पर्याप्त की अंतर्मुहूर्त जगन्य और उत्कृष्ट से संख्या 1000 वर्ष काल में दोनों के। पंचेंद्रिय पुनः पुनः द्विंद्रिय 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 हुआ तो भी कितने काल तक हो सकता है, संख्या 1000 वर्ष काल तक। पितलेन्द्रिय पर्याय में भी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्याय लगातार उत्पन्न हुई तो संख्या 1000 वर्ष तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में अवधारिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना पंचेंद्रिय त्रियेंद्रियों के समान है, शेष पदों की प्ररूपना ओके समान है। विशेष इतना है कि इनमें तेजस व कारमन शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा जगन से क्षुद्र भव ग्रहण मात्र वो नहीं वहां पर वो चाहिए, वो अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से अपनी अपनी स्थिति प्रमाण काल के। पंचेंद्रिय अपर्याप्तों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय त्रियेंद्रिय अपर्याप्तों की समान है। पृथ्वी कायिक और जल कायिक जीवों में अवधारिक शरीर संबंधी काय मार्ग न चालू गए, इंद्रिय मार्ग समाप्त हुई और काय मार्ग न प्रारंभ हुई। पृथ्वी कायिक और जल कायिक जीवों में पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 22000 वर्ष, जल कायिक जीव की 7000 वर्ष और इसकी जल कायिक हो गए अग्नि कायिक की 3 रात्रि दिन है और वायु कायिक जीव की वायुकाल जीव की कितनी, 3000 वर्ष, वो लगाएंगे अलग अलग।
पृथ्वी का एक और जल का एक जीवों में औदारिक शरीर संबंधी संघातन कृति के प्रमुख नातिरेंचों के समान है। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति की नाना जीवों की अपेक्षा सर्वप्रधान है। एक जीव की अपेक्षा जगन से चार समय कम शुद्र भवग्रह और उत्कृष्ट से क्रमश एक समय कम 22,000 और एक समय कम 7,000 वर्ष का है। तेजस और कार्बन शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जघन से क्षुद्र व ग्रह और उत्कृष्ट से असंख्यात लोग प्रमाण काल है। उसमें गर्भित है ना, सामान्य है तो वहाँ सूक्ष्म भी आएंगे ना, जहाँ सामान्य वहाँ पर बादल सूक्ष्म सब आते हैं, तो जिसकी अपेक्षा कम से कम संभव है वो लेंगे। और एक जीव के क्षुद्र व उत्कृष्ट से कितना बताया, पृथ्वी पृथ्वी में या जल जल में घुमा तो असंख्यात लोग प्रमाण काल तक हो सकते हैं। पत्थर बन करके असंख्यात लोग प्रमाण काल तक रह सकते हैं, और जल का एक में उत्पन्न हुए तो असंख्यात लोग प्रमाण काल तक हो सकते हैं। इतना उत्कृष्ट काल एक हो तो 22,000 वर्ष का है, लेकिन पुनः 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 पृथ्वी का एक हुआ तो वैसा कर्म बांधेंगे तो समय का वर्ष समय समय लोग समय वर्ष ही हो गए ना। अपने जो अंगुल के असंख्यात भाग असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी वो कम है, उससे वो बड़ा बड़ा काल आ गएगा। एक सूच्यंगुल जो है उसमें भी कितने मतलब बड़ा ही काल हो गया। एक सूच्यंगुल भी काल जो है वो असंख्यात वर्षों का है, असंख्यात असंख्यात वर्ष आएंगे उसमें, असंख्यात असंख्यात जो संख्या है उसमें आएगा उनका सूच्यंगुल प्रक्रमगुल घनांगुल ये सब। फिर उसके बाद जगत श्रेणी जगत प्रतर और लोक लोक है, तो उसके जितने प्रदेश है उतने यहाँ समय लेना। असंख्यात नहीं असंख्यात लोग जहाँ बोला तो असंख्यात ही आएंगे ना काल, असंख्यात समय मतलब असंख्यात वर्ष होंगे उसके। बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक व बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर जीवों में औदारिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपणा बादल एक केंद्रीय जीवों के समान है। औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जन्म से तीन समय कम शुद्र ग्रह और उत्कृष्ट से एक समय कम 22,000 वर्ष, एक समय कम एक समय कम 7,000 वर्ष और एक समय कम 10,000 वर्ष काल है। वनस्पति का एक उत्कृष्ट आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशातन कृति नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है। इस जीव की अपेक्षा जघन से क्षुद्र ग्रहण प्रमाण है, उत्कृष्ट से कर्म स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार उनके पर्याप्तों का जानना चाहिए। कर्म स्थिति प्रमाण मतलब 70 कोड़ा कोड़ी साधारण से ज्यादा लगा सकते हैं। तेजस और कर्मन की तो पूरा ही लेना है ना, तीन समय कम वो तो औदारिक शरीर का संघातन परिशातन। ये पर यहाँ पर सूक्ष्म नहीं है ना, बादल जीवों का बता रहे ना, इसलिए तीन समय कम शुद्र भोग जिसमें बादल सूक्ष्म दोनों होते हैं तो चार समय कम होते हैं। हाँ ऐसा लगता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर लेना बादल पृथ्वी का एक लगातार रहा वहां पर तो कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रह सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर ऐसा दिया नहीं लेकिन लगता तो वो नहीं, कर्म स्थिति से क्या लेना, क्योंकि हमेशा कर्म स्थिति मतलब वो कर्म की है, लेकिन विवक्षता भी यहाँ पर कौन सा कर्म है, ये बादल नाम कर्म, बादल नाम कर्म होगा तो इस कोड़ा कोड़ी सागर होगी उसकी। हाँ लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है तो ऐसा लगता तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है कर्म स्थिति प्रमाण। इसमें और कहीं पर आया सातवी पुस्तक में भी आया है ये सब का। बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक, बादल तेज का एक, बादल वायु का एक, बादल वनस्पति का एक, बादल निगोर, बादल
पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त होगी प्ररूपणा बाजार एक केंद्र अपर्याप्त उनके समान है सब अपर्याप्त लगा रहा उसने तेज प्राइक व वाई प्राइक जो में अवधारिक शरीर की संघातन व परिशातन कृति व चाहिए संघातन परिशातन नहीं बता रहे संघातन कृति और परिशातन कृति तथा वैक्रिक शरीर के तीनों पदों की प्ररूपणा त्रिरेंचों के समान है अवधारिक शरीर की बाकी कोई एक केंद्र में वह वैविक्रिया नहीं होती है तो आप केवल अवधारिक शरीर का संघातन अवधारिक शरीर का संघातन परिशातन होता है लेकिन यहाँ पर वैक्रिक के भी तीनों पद और अवधारिक शरीर का परिशातन भी होगा इसमें वायु का एक और तेज का एक अवधारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकार है एक जीव की अपेक्षा जनन से एक समय उत्कृष्ट से क्रमशः एक समय कम तीन रात्रि दिन वह एक समय कम 3000 वर्ष काल तेज का एक की 3 रात्रि दिन और वायु का एक की 3000 वर्ष जल का एक की 7000 वर्ष याद रखना इसलिए कि उठने को ऐसे कर्म का बंद करेंगे तो इतने काल तक सजा में करके रहना पड़ेगा तेजस व कारण शरीर की संघातन परिशातन कृति की प्ररूपणा सूक्ष्म एक इंद्रियों के समान है वायु घूमते रहो उसमें 3000 वर्ष काल और पुनः पुनः वायु का एक हुए तो और असंख्यात वर्ष लोग इसी प्रकार अगर तेज का एक वो वायु का एक जीवों के कहना चाहिए विशेष इतना ही कि तेजस व कारण शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा जगने से शूद्र व ग्रहण और उत्कृष्ट से कर्म स्थिति प्रमाण कर्म स्थिति प्रमाण इसी प्रकार उनके पर्याप्त जीवों के कहना चाहिए विशेष इतना ही कि इनमें औदारिक शरीर की संघातन व परिशातन कृति संघातन परिशातन है ना उसके बीच में वो चाहिए और वैक्रिक शरीर के तीनों पदों की प्ररूपणा एक इंद्रियों के समान है औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति के जननी व उत्कृष्ट काल की प्ररूपणा तेज व वायु का एक जीवों के समान है तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा जनन से अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट से संख्या 1000 वर्ष काल प्रमाण है यह हमेशा पादर पर्याप्त का मार्गना काल कितना है संख्या 1000 वर्ष पादर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में मिल करके असंख्यात लोक प्रमाण नहीं वो अंगुल का असंख्यात बाबा का और वह तेज का एक वगैरह उसमें असंख्यात लोक बताए ना असंख्यात लोक प्रमाण का और सूक्ष्म जो है पुनः पुनः सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त तो उसका भी असंख्यात लोक ही बताए हैं बादर वनस्पति का एक जीवों की प्ररूपणा बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों के समान है विशेष इतना है कि उनमें तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति की प्ररूपणा बादर एक इंद्रियों के समान है बादर वनस्पति का एक पर्याप्तों में औदारिक शरीर संबंधी संघातन कृति की प्ररूपणा त्रिरेंचों के समान है संघातन परिशातन कृति की प्ररूपणा प्रत्येक शरीर पर्याप्तों के समान है इस प्रकार तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति के काल की कृति के काल की प्ररूपणा करनी चाहिए संघातन परिशातन कृति की प्ररूपणा प्रत्येक शरीर पर्याप्तों के समान है इसी प्रकार तेजस व कार्मण शरीर के संघातन परिशातन कृति के काल की प्ररूपणा करनी चाहिए शूद्र व ग्रहण प्रमाण नहीं चाहिए तेजस कार्मण शरीर के संघातन परिशातन कृति के काल की प्ररूपणा जगन्य काल शुद्र भोग्रहण है लेकिन उत्कृष्ट काल कितना है वहाँ अंगुल का असंख्यात्व भाग है निगोद जीव में औदारिक शरीर के दो पदों की प्ररूपणा सूक्ष्म एक इंद्रियों के समान है तेजस व कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों के पर्याप्तों में तो जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है एक जीव की अपेक्षा निगोजीव में औदारिक शरीर का संघातन सर्वकाल और उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा एक समय और औदारिक शरीर का संघातन परिशातन जगन्य काल 4 समय का शूद्र उत्कृष्ट कितना होगा अंतर्मुहूर्त में एक समय कम और तेजस कार्मण का संघातन परिशातन शूद्र व ग्रहण
जगने काला उत्कृष्ट अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन निगोद 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 हुआ तो कितना होगा अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन पूर्ण एक केंद्र में असंख्या पुद्गल परिवर्तन है एक पेज पर ऐसा है ना सब लिखना हुआ है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बाधा एकेंद्रिय अंगुल भागिले असंख्यात 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 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बाधा एकेंद्रिय का बादर एक इंद्रिय का अंगुल का असंख्यात्वा भाग माने कितना है वह असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण अंगुल से छोटा हुआ ना असंख्यात पदपम हुए बराबर फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय का सूक्ष्म केंद्र में असंख्यात लोक असंख्यात लोक बादर एक केंद्र पर्याप्त बादर एक केंद्र पर्याप्त बादर एक केंद्र में पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गए केवल बादर एक केंद्र पर्याप्त हुआ तो संख्या हजार वर्ष बादर एक केंद्र पर्याप्त का संख्या हजार वर्ष और अपर्याप्तता अंतर्मूर्त ही है बादर एक केंद्र पर्याप्त भी अंतर्मूर्त है और सूक्ष्म का भी अलग अलग लेंगे सूक्ष्म एक केंद्र पर्याप्त अंतर्मूर्त और सूक्ष्म एक केंद्र अपर्याप्त उसका भी अंतर्मूर्त सूक्ष्म एक केंद्र पर्याप्त का लगातार काल उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है और अपर्याप्त का भी अंतर्मूर्त ही है और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलाकर के लिया तो मतलब सामान्य अपन लिया होकर सूक्ष्म एक केंद्र उसमें असंख्यात लोग बताए पर्याप्त दोनों मिलाकर द्विंद्र आदि का संख्या हजार वर्ष अभी यहाँ पृथ्वी का एक वगैरह अलग अलग वो वैसा ही होगा संख्या पृथ्वी का एक जल का एक और अग्नि का एक इनका कितना है असंख्यात लोक बादल सब मिलाकर पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक नहीं पर्याप्त पर्याप्त दोनों मिलाकर के आएगा ना पादर सूक्ष्म सब मिलाकर के तो असंख्यात लोक है और इनका केवल पादर का आएगा बादर पृथ्वी का एक बादर जल का एक तो कर्म स्थिति प्रमाण देना है पर्याप्त बादर पर्याप्त नहीं बादर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलाकर के कर सूक्ष्म बादर दोनों मिलाकर के असंख्यात लोक हुआ केवल बादर पर्याप्त लिया तो वहां पर नहीं बादर लिया तो कर्म स्थिति प्रमाण लेना बादर पर्याप्त लिया तो संख्या का चतुर्थ लेना हाँ वापिस कर बोल के पहले पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक इसका सामान्य क्या बताया असंख्यात लोक उसमें बादर सूक्ष्म दोनों आएंगे और बादर पृथ्वी का एक बादर जल का एक बादर वायु का एक वगैरह जो है उसका कितना बताया कर्म स्थिति प्रमाण बताया उसमें बादर सामान्य आ गया
पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आए आगे प्रत्येक अलग अलग वेला कर्मस्थिति प्रमाण पादर का और दोनों सूक्ष्म पादर दोनों मिला करके सामान्य पृथ्वी का एक सामान्य जल का एक सामान्य वायु का एक तेज का एक जो है वो असंख्यात लोक लेना खाली पर्याप्त होगा तो संख्या धजवर्ष खाली पर्याप्त पर्याप्त देंगे तो संख्या धजवर्ष का अंतर हाँ बादल पर्याप्त संख्या धजवर्ष और निबोध जीव वनस्पति का एक का मतलब लेना है वहां पर सामान्य वनस्पति का एक वनस्पति का एक सामान्य है देखो जीव दिया बादल वनस्पति दिया है यहाँ पर निगोल का आया ना अढ़ाई पुद्गल परावर्तन में साधारण वनस्पति कितना हुआ अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन साधारण वनस्पति मतलब उसमें सूक्ष्म बादल दोनों मिला करके आएगा निगोचियों में अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन है अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन बादर वनस्पति त्यामध्ये फक्त अंगुल का असंख्यात भाग साधारण वनस्पतीमध्ये सूक्ष्म बादर दोन्ही मिळून ते अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन झालं आणि बादर वनस्पतीमध्ये त्याच्यामध्ये दोन्ही येणार तसं आणि बादर वनस्पतीमध्ये म्हणजे प्रत्येकाने साधारण दोन्ही मिळून अंगुल का संख्या तो भाग बादर निबोध नुसत कर्मस्थिति प्रमाण बादर निबोध सब बादर बादर आएगा ना तो वहां पर कर्मस्थिति लेना बादर निबोध कर्मस्थिति प्रमाण और बादर निबोध पर्याप्त संख्या हजार वर्ष निगोध पर्याप्त निगोध जीव का अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन बादर निगोध है वह कर्म स्थिति प्रमाण और बादर निगोध पर्याप्त वह संख्या हजार वर्ष दोनों आएगा पर्याप्त तो तेजस कार्बन का संघातन परिशातन ही उत्कृष्ट मार्गन का चाल है ना उतना उत्कृष्ट का लेना वहां पर तिथं पण काय काय गडबड सगळी बादर निगोद तुमच्यात काय केलं निगोचिओ मे वाचलं काय खाली निगोचिओ मे अवधारी शरीर के दो अढाई पुद्गल परिवर्तन तर हो गए ना उसके बाद त्याच्यानंतर काय घेतलं बादर निगोद काढले तिथं बादर निगोद नव्हते म्हणून बादर वर काय नसतं बादर निगोद जीवेसु ओराण्य दो पदानं बादर एंद्य अपच्यत भूम म्हणे बादर निगोद और बादर निगोद अपर्याप्त ऐसा नाहीये वर एकच आहे ना फक्त बादर निगोद जीवेसु ओराण्य दो पदानं बादर एंद्य अपच्यत भूम तर आम्ही उलट ते बादर निगोद काढले बादर निगोद अपर्याप्तामध्ये अपर्याप्त प्रमाण भंग येणार आहे ना म्हणून बादर निगोद बोल केले बादर निगोद अपर्याप्त जीओ में
अवधारे शब्द के दो पदों की प्ररूपणा बादर एकेंद्र अपर्याप्तों के समान है। तेजस को कारमय शरीर के संघातन परिषातन पृथ्वी की प्ररूपणा बादर पृथ्वी का ही जीवों के समान है। बादर निगोद पर्याप्त शरीर के दो पदों की प्ररूपणा बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों के समान तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशातन कृति की प्ररूपणा बादर पृथ्वी का जीवों के समान है। बादर निगोद पर्याप्तों की प्ररूपणा बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों के समान संख्या 1000 वर्ष। विषय इतना है कि औदारी शरीर की परिशातन संघातन परिशातन कृति का संघातन परिशातन नहीं है संघातन और परिशातन लिखना है वहाँ पर। एक समय कम अंतर्मुहूर्त काल है सब पर्याप्त है इसलिए अंतर्मुहूर्त काल लेना इतना विशेष लेना। सूक्ष्म सब सूक्ष्म जो उनकी प्रवाह संघातन और परिशातन नहीं संघातन परिशातन चाहिए। विशेष इतना है कि औदारिक शरीर की संघातन परिशातन बुद्धि का उत्कृष्ट से एक समय कम अंतर्मुहूर्त काल है। सब सूक्ष्म जीवों की प्ररूपणा सूक्ष्म एकेंद्रीय इसमें परिशातन शब्द नहीं है वो लिखना है। त्रस व त्रस पर्याप्तों की प्ररूपणा काय मार्गना में त्रस जीवों का बताते हैं। त्रस व त्रस पर्याप्तों की प्ररूपणा पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्तों की समान त्रस और पंचेंद्रिय सब समान आएगा। विशेष इतना है कि तेजस व कर्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का एक जीव की अपेक्षा जगह में से क्षुद्र व ग्रहण मात्र व अंतर्मुक्त तथा उत्कृष्ट से क्रमशः पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागरोपम व केवल 2000 सागरोपम काल के नेत्रस पर एक काल कितना 2000 सागरोपम अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व और त्रस पर्याप्त का काल कितना 2000 सागर ये भी उसमें लिखना आपको जो अभी लिखे है सब उसमें। त्रस पर्याप्त मतलब पंचेंद्रिय का काल कम है वहां पर 2000 सागर नहीं आता है पंचेंद्रिय में केवल सागरोपम सहस्र सागरोपम पृथक आता है सहस्र सागरोपम आता है और यहाँ पर 2000 सागरोपम अधिक पूर्व कोटि पृथक इसमें विकलेंद्रिय पर्याय भी बीच में आती है। पंचेंद्र में विकलेंद्र नहीं है त्रस में विकलेंद्र है इसलिए कितने त्रस के हो गए 2000 सागर अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व कितने पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 2000 सागर सागरोपम और त्रस पर्याप्त का बराबर 2000 सागरोपम पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक नहीं देना त्रस पर्याप्त का अपर्याप्त का सभी जगह अंतर्मूर्त ही होता है। पुरुषातन हुआ फिर वैकृत शरीर का संघातन हुआ फिर वैकृत शरीर के परिशातन और संघातन परिशातन हुआ औदारिक शरीर का परिशातन आया ही नहीं ना तो इसलिए यहाँ पर प्राकृत में हमने लिखा है प्राकृत में पाठ संशोधन करके लिखना है इसमें प्राकृत में नहीं है वो नीचे अर्थ में लिया है लेकिन प्राकृत में नहीं है तो प्राकृत में भी फिर चाहिए और हिंदी में भी चाहिए। औदारिक शरीर की परिशातन कृति तथा वैकृत शरीर की परिशातन कृति और वैकृत शरीर के संघातन परिशातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा गण से एक समय कम नहीं चाहिए एक समय केवल चाहिए और उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल है कम शब्द निकालना मैंने यहाँ पर नहीं है प्राकृत में लेकिन वो चाहिए शरीर की परिशातन कृति की प्ररूपणा मनोयोग के समान होता है एक समय जगह निकाल और उत्कृष्ट
अंतर्मुक्त काल है। अवतारिक मिश्र का योगी अवतारिक शरीर की संघातन कृति के आरक शरीर का परिशातन अपेक्षा भी ऐसे एक समय हुआ और अंतर पड़ गया और अंतर मृत काल तक भी हो सकता है। आरक्षक का परिशन अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ तो भी अवधारित मिश्र का योग कितना रहेगा अंतर्मुक्त काल्य रहेगा। तेजस्व कर्मा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जन्म की अपेक्षा सर्वकालीन है। एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और कैसे होगा अवधारित मिश्र का योग 13वें गुण स्थान में कपट से मुद्घात में होता है तो एक समय ही होता है ना और फिर ये होता है तो जगन एक समय कपट से मुद्घात की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अवधारित मिश्र का योग का काल अंतर्मुहूर्त है। इसलिए वैक्रिय का योगियों में वैक्रिय तेजस और कार्मा शरीर संबंधी संघातन परिशातन कृति की प्ररूपना मनोयोगियों के समान है। वैक्रिय मिश्र का योगियों में वैक्रिय शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना देवों के समान है। वैक्रिय का योग का काल भी जगने से एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा से एक समय लेना वैक्रेक मिश्र का योगी राजयोग की अपेक्षा तो सर्वकाल है। वैक्रेक मिश्र का योगियों में वैक्रेक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना देवों के समान है। कायोग में व्याघात नहीं लेना केवल उसमें मरण की अपेक्षा से एक समय लेना तो वैक्रेक कायोग चालू हो गया और एक समय में मरण हो गया। वैक्रेक तेजस व कर्मा शरीर की संघातन परिशातन नाना जीवों की अपेक्षा जगने से अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट से पल्लोकम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल है। एक जीव की अपेक्षा जगने और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त काल है। आहार का योग एक जीव ने वैक्रिक शरीर का संघातन परिशातन चालू किया और अंतर्मुक्त में वैक्रिक मिश्र का योग किसी का नहीं रहा मतलब कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ ना वहां पर तो अंतर्मुक्त के बाद अंतर्मुक्त लगातार काल रहा और उसके बाद अंतर पड़ गया या एक समय नहीं हो सकता है क्योंकि एक बार किसी जीव का वैक्रिक मिश्र का योग हुआ तो लगातार अंतर्मुहूर्त काल का नियम से होगा। इसलिए जगने काल कितना बताया अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट वैक्रिक मिश्र का काल कितना है पल्लवम का असंख्यात भाव। इसलिए पल्लवम का असंख्यात भाव नाना जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल है। एक जीव की अपेक्षा जगने में अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी एक समय नहीं होता है ना मिश्र का योग में कभी भी गया तो ये समझना कि वहां पर मरण नहीं आएगा एक समय में अंतर्मुहूर्त जगने से होगा उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त काल ही होगा। वैक्रिक मिश्र का योगियों में वैक्रिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना देवों के समान है। वैक्रिक तेजस और कर्मा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगने से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्लवों के असंख्यात यहाँ पर नाना जीवों के सर्वदा लिखा है क्या ऊपर अपेक्षा सर्वकाल सर्वदा ऐसा लिखा है ना। आहार मिश्र का योगियों में अवधारित शरीर की परिशातन कृति तथा आहार तेजस व कर्मा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा का सर्वदा ऐसा लिखा है ना बोलना ही चाहिए वहां पर और नाना जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त अभी मैंने बताया ना अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्लवम का असंख्यात भाव ऐसा चाहिए। लिखा नहीं क्यों
आहार ग्रहण जो आहार मिश्र हाँ नहीं आहार मिश्र है ना आहार मिश्र का है दो एक एक मिश्र का है मैंने कहा नहीं आहार मिश्र का योग में अवधारिक उसका जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही है जगन्य और उत्कृष्ट क्या होगा नाना जोन की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त ही है आहार मिश्र का योगियों में अवधार शरीर की पुरुषातन कृति और आहार को तेजस कर्मन की शरीर के संघातन पुरुषातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट का अंतर्मूर्त और ये जो के मतलब नाना वो लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए वो दिखाएंगे नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त बिहार मिश्र का नको है तो पण आहे बर ते नको आहे साधन कधी एक जीवन पडुच्छ नाना जीवन एक जीवन पडुच्छ जनेन एक समो उपसेन अंतमूर्तम परिसादन कधी आहार तेजाकमय संगादन परिसादन कधी नाना जीव पडुच्च एक जीव पडुच्च पडुच्च काढलं चालते नाना जीव एक जीव पडुच्च एकदाच असलं तर चालते वर जस आहे ना नाना जीव एक जीव पडुच्च नाना जीव की और एक जीव की अपेक्षा जगन्य वो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल है क्योंकि एक बार आहारक मिश्र का प्रारंभ हुआ तो लगातार अंतर्मूर्त काल तक होगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा कितने जीव करेंगे संख्या दीजिए तो उनका सबका मिलकर के भी कितना काल होगा अंतर्मूर्त ही होगा इसलिए जगन्य छोटा अंतर्मूर्त उत्कृष्ट बड़ा अंतर्मूर्त लेना कार्मन का योगियों में अवधारी शरीर की परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा जगन से तीन समय और उत्कृष्ट से संख्या समय का तीन समय की अपेक्षा से आएगा प्रतराव लोक और समुद्रात हुआ वहां पर कार्मन का योग है अवधारी शरीर का परिशातन हो रहा है तो कम से कम कितना काल होगा तीन समय और लगातार अनेक जीव करेंगे तो उसकी अपेक्षा संख्या समय होगा एक जीव की अपेक्षा जगन भी तीन समय और उत्कृष्ट भी तीन समय तेजस और कार्मन शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल की कार्मन का योग में सदा जीव पाए जाएंगे और उनका तेजस कार्मन संघातन परिशातन सदैव होगा और एक जीव की अपेक्षा विग्रह गति में एक मोड़ा लेकर के जाएगा तो कम से कम एक समय और उत्कृष्ट तीन समय तेरे गुणस्थान में भी लगा सकते हैं या विग्रह गति में भी लगा सकते हैं वेद मार्ग अब वेद मार्ग है वेद मार्ग अनुसार स्त्री वेदियों में औदारिक शरीर के तीनों पद तथा वैक्रीक शरीर की परिशातन कृति की प्ररूपना पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान है वैक्रीक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना ओक के समान है वैक्रीक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से एक समय कम पचपन फलों का प्रमाण काल सोलहवें स्वर्ग में देवियों की अपेक्षा देवी की उत्कृष्ट आयु कितनी है पचपन फल है तो वैक्रीक शरीर का संघातन परिशातन पचपन फल तक होगा और तेजस कारण का संघातन परिशातन कितने काल तक होगा नाना जीव की अपेक्षा तो सर्व काल है लेकिन एक जीव की अपेक्षा बलोकों का शतपृथक मतलब देवी स्वर्ग में होना वापिस मनुष्य नहीं या तिरंजनी वापिस देवी पर वापिस तिरंजनी या मनुष्य नहीं इस प्रकार स्त्री वेदी में कितने लगातार काल तक हो सकेगा सौ बलोकों
सात आठ सौ पल्लव सागरों की आयु नहीं होती है ना, उनके पल्लवों की आयु होती है, ज्यादा से ज्यादा 55 पल्लव होती है ऐसे स्त्री पर। इतने काल तक उसने मायाचार छोड़ा नहीं, वेदी समय तो प्राप्त नहीं किया, बीच में किया तो भी वापिस छूट गया, ऐसा भी हो सकता है। बीच में नहीं किया ही नहीं, ऐसा भी नहीं लग कर सकते, कुछ अंतर्मुक्त काल के लिए या कुछ वर्ष के लिए, समय तो भी नहीं मरी वो, समय पूर्वक आयु नहीं मरी। हाँ आयु नहीं उसमें मरण नहीं। पुरुष वेदियों में अवतारिक शरीर की संघातन कृति की प्रलोकना स्त्री वेदियों के समान, अवतारिक शरीर के शेष दो पद तथा वैक्रेक व आहार शरीर के तीनों पदों की प्ररूपणा भोग के समान। मैंने पुरुष वेदियों में वह उत्कृष्ट काल कितना होगा, 33 सागर, एक समय कम 33 सागर, अवधारी शरीर के संघातन वहां पर 55 पल है ना, तो पुरुष वेदियों में देव के उत्कृष्ट काल कितने, 37 सागर कम है, और वहां पर भी वैक्रेक शरीर का संघातन शरीर में स्त्री वेदी में तो एक ही समय रहेगा, वैक्रेक शरीर के संघातन एक जीव की अपेक्षा जगन ने भी एक समय और उत्कृष्ट भी एक समय, लेकिन पुरुष वेद में जगन एक समय और उत्कृष्ट दो समय तक पाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर मर करके वापस पुरुष वेद में उत्पन्न वैसा होगा ना, स्त्री वेद में दो समय नहीं मिलेगा, स्त्री वेद में कहा गया वैक्रेक शरीर का संघातन एक ही समय का ना। तेजस्व कारमा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सरोकार है, एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मुद और उत्कृष्ट से सागरोपम शत पृथक्तो काल, पल्लवोपम शत पृथक्तो और यहाँ पर सागरोपम शत, पुरुष वेदी पुरुष वेदी ऐसे लगातार बना तो कितने काल तक बन सकता है, सागरोपम शत पृथक्तो, और स्त्री वेदी का उत्कृष्ट काल पल्लवोपम शत पृथक्तो, इसलिए मार्ग नाम का काल याद है तो इस नपुंसक वेदियों में अवतारिक शरीर की संघातन कृति और परिशातन कृति तथा वैक्रेक शरीर के तीनों पदों की प्ररूपणा हो के समान है। स्त्री वेदी में मुझे को प्रश्न बना कि वैक्रेक शरीर का संघातन जो है, यहाँ पर कोई स्त्री वेदी है विक्रेक ही, लास्ट समय में वैक्रेक संघातन किया और मरण करके वापस स्त्री बना, तो नहीं क्यों नहीं बन सकता ऐसा, भोग के समान ओके समान आपले तर सुधारणा करावा लागेल, तीनों पद तथा वैक्रिक शरीर की परिशातन कृती की प्रगुणा पंचेंद्र तिरंजन के समान म्हटलं ना, वैक्रिक शरीर की संघातन कृती की प्ररूपणा ओग के समान, तिथे दोन समय द्यावा लागेल, म्हणजे दोन वेगळं वेगळं द्यावं लागेल, अवतारिक शरीर संघातन वेगळं द्यावं लागेल आणि वैक्रिक शरीर संघातन वेगळं द्यावं लागेल। वैक्रेक शरीर संघातन आहे की नाही, त्याच खाली ओळ वेगळी करून दोन समय असेल ना, उत्कृष्ट तो समय आएगा उसका, त्याचा विचार छत्तीस पेज पर स्त्री वेद मार्ग में ना, वहां पर अवतारी शरीर का संघातन वैक्रेक शरीर का संघातन एक में ही लिखा है ना, तो उसमें वो अलग अलग चाहिए, तो वो जो लिखा है वो अवतारी शरीर का संघातन बराबर है, नीचे उसके वैक्रेक शरीर के संघातन की लाइन लिख करके जगन काल नाना जीव की अपेक्षा एक समय उत्कृष्ट वही होगा, अवलिका संख्या तो भाग काल, एक जीव की अपेक्षा जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्री वेदी विक्रिया की और अंतिम समय में एक समय हुआ और मर गया, वहां वापिस देवयानार्कियों में उत्पन्न हुआ तो वापिस वैक्रिक शरीर का संघातन हुआ, तो दो समय आ सकता है, पुरुष वेदी में भी दो समय है, नपुंसक वेदी में भी दो समय है।
हाँ और उत्कृष्ट खाली दो समय होगा वहाँ बैठक चेयर का संग पहली लाइन में एकदम पहले आगे नपुस्तक वेदियों का अवतारी शरीर की संघातन कृति और परिशातन कृति तथा वैग्रह शरीर के तीनों पदों की प्ररूपणा वो के समान अवतारी शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकालीन एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और उत्तर पृष्ठ से एक समय कम पूर्व कोटि का हाँ ते तर नाही बरं की म्हणते जर वैक्रिक संघातन वेगळं केलं ना ते तिथंच केलं होतं ते खाली वेगळं केलं बरोबर आहे अवधारीचे संघातनच पाहिजे फक्त बरोबर आहे किती बरोबर आहे नपुसक वेदने बरोबर आहे कुठं नपुसक वेदने अवधारी शरीर का संघातन सर्व काल होगा नाना जीव की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा एक समय एक समय परिशातन वैग्रह शरीर का परिशातन और वैग्रह शरीर का संघातन परिशातन सब बराबर है नपुसक वेद में नरक में लगाना पुरुष वेद में स्वर्गो में लगाना 33 सागर माइनस एक समय और अवधारी शरीर का संघातन परिशातन वहां पुरुष वेद में अवधारी का तीन पल्ले है ना या पूर्व कोटि माइनस एक समय भूमि में नपुसक वेद नहीं होते ना पुरुष और स्त्री वेदी होते हैं इसलिए तीन पल्ले को उनके आयु नपुसक वेदी में नहीं होती है इसलिए वहां पर पूर्व कोटि माइनस एक समय हुआ नपुसक वेदियों में और तेजस और कारमान संख्या का शरीर का संघातन पुरुषातन असंख्या खुदगल परिवर्तन काल तक उत्कृष्ट है जगने एक समय किस अपेक्षा से आएगा यहाँ पर संघातन परिषद नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा एक समय कैसा घटित किया था वहां पर हाँ श्रेणी उतरते समय घटित करना पड़ेगा स्त्री वेदी में और नपुसक वेदी में तेजस कारमान संघातन परिशातन का भी काल एक समय बताया है तो कोई जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ा अवगत वेदी हुआ और उपशम श्रेणी से उतरा और स्त्री वेद का उदय चालू हो गया और एक समय होते ही क्या हो गया मरण हो गया तो स्त्री वेद में तेजस कारमान का संघातन परिशातन कितने काल तक रहा एक समय और नपुसक वेद में भी ऐसे लगाना एक समय पुरुष वेद में नहीं पुरुष वेद में कितना लगाना अंतर्मुहूर्त क्योंकि वहां पर यदि मरण भी हुआ तो वहां पर पुरुष वेद ही बनेगा ना वापस इसलिए नहीं होगा तो उसका जो जगन आयु है पुरुष वेदी की अंतर्मुहूर्त वो लगाना और यहाँ पर मरण की अपेक्षा स्त्री वेद में और नपुसक वेद में एक समय घटित करना अपगत वेदियों में सबका जगन एक समय है वहां पर अपगत वेदियों में औदारिक शरीर की परिशातन कृति का नाना जीव एक जीव की अपेक्षा जगन्य से तीन समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल है औदारिक तेजस व कारमन शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है एक जीव की अपेक्षा जगन्य से काल एक समय और उत्कृष्ट से कुछ कम पूर्व कोटि काल है आठ वर्ष में उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो वहां पर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक अवधारी शरीर का संघातन परिशातन होगा अवगत वेद में और अपेक्षाय में केवल ज्ञान में केवल दर्शन में सब में ऐसे तेजस कारमन का संघातन परिशातन भी होगा एक समय कैसे होगा वहां पर अवधारी शरीर का संघातन परिशातन और तेजस कारमन का संघातन परिशातन का जगन्य काल एक समय बताया है किसमें अवगत वेद में श्रेणी पर चढ़ा अवगत वेदी हुआ एक समय में मरण हो गया अवगत वेद में कितना रहा वहां पर एक समय तक इसलिए उसका जगन्य काल एक समय होता है और अवधारिक शरीर का परिशातन का कितना बताए जगन्य काल नाना जीव की अपेक्षा भी तीन समय और वो उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त
मतलब तीन समय किस अपेक्षा से? तेरह गुण स्थान में समुद्र की अपेक्षा। अंतर्मुख प्रकार किस अपेक्षा से? चौदह गुण स्थान की अपेक्षा से। ऐसे एक जीव की अपेक्षा भी वैसे लगाना, तेरह गुण स्थान में और चौदह गुण स्थान की अपेक्षा। क्रोधादि और तेजस कर्मण की परिशातन कृति जगन्य और उत्कृष्ट सब काल कितना है? अंतर्मुख ही है। क्रोधादि चार दशा युक्त जीवों में औदारिक विग्रह व आहार शरीर की संघातन वृत्ति की प्रारूप नागों के समान है। शेष पदों की प्रारूप ना मनोयोगियों के समान है। दशारहित जीवों की प्रारूप ना उपगत वेदियों के समान है। इसी प्रकार के दशाएं का काल भी सब जगह कितना अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, इसलिए सब उत्कृष्ट काल सभी में क्या आएगा? अंतर्मुहूर्त ही आएगा। और जगन्य काल सभी में कितना आएगा? एक समय। खाली आहार का संघातन परिशातन वो एक समय नहीं होगा, वो अंतर्मूर्त काल तक ही होगा। हमेशा याद रखना आहार शरीर का संघातन परिशातन एक समय नहीं होता है, वो लगातार हुआ तो अंतर्मूर्त काल तक ही होता है, क्योंकि वहां पर एक समय में मरण नहीं है। इसलिए बाकी सभी में एक समय कैसे लगाना? वहां मरण की अपेक्षा। क्रोध दशा का उदय चालू हुआ मतलब वहां उपशम श्रेणी पर चढ़ा और उपशम श्रेणी से उतरा और एक समय वहां उसका कषाय का उदय प्रारंभ हुआ और वहां मरण हो गया। लोग कषाय का उदय चालू हो गया मतलब उसमें और उसका मरण हो गया। वो दसवें गुण स्थान में नहीं लगा, दसवें में भी लगा सकते हैं। सूक्ष्म संप्रदाय में आया और एक समय में मरण हो गया, उतरते समय कहीं पर भी मर सकता है। और उस कषाय के उदय काल में आया और एक समय में मरण हो गया, इसलिए जगन्य काल अपेक्षा कितना लगा ना? एक समय। और उत्कृष्ट कषाय का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। इसलिए सब जगह अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट का लेना। खाली संघातन में क्या लेना? औदारिक का एक समय, वैक्रेय का दो समय और आहार का एक ही समय, एक जीव की अपेक्षा। वैक्रेय का दो समय कैसे लगाना? जैसे पहले लगाया था क्रोध दशा में मरा और क्रोध दशा में नरक में उत्पन्न हुआ, तो क्रोध दशा का उदय रहा, तो वहां पर एक दो समय संघातन रहा। अब यहाँ पर केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जीवों के कहना चाहिए। कौन से नहीं, वो क्रोध ही रहा ना, रह सकते है ना, लेकिन संघातन में अपने को देख रहे ना खाली। मति व श्रुत अज्ञानियों में औदारिक और वैक्रेक शरीर के तीनों पदों की प्ररूपना ओग के समान है। तेजस व कर्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा अनादि पर्यवसित गोल अपर्यवसित अनादि पर्यवसित गोल अनादि सब परिवसित और सारी सब परिवसित काल गोल अनाद्य परिवसित पाहिजे ना। अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत और जो सादी शांत उसकी अपेक्षा से जो ऊपर चढ़ करके नीचे आया है ना, जो समय तो होकर के मिथ्यात्व में आया है, तो उसका सादी शांत है। वो सादी शांत कितना काल है? कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है, क्योंकि उसके बाद वो नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए कुछ कम अर्धपुद्गल पर कुट काट ले तुम मती श्रुत अज्ञानियों में है ना, वही औदारिक और वैक्रेय के तीनों पदों की प्ररूपणा उसके समान है और तेजस और कर्मण शरीर के संघातन प्रसार करना आजम की अपेक्षा सर्वकाल एक जो की अपेक्षा अनादि अपरिवर्तित वर पण आहे खाली पण सभी पाहिजे करो बराबर आहे। आगे विभंग ज्ञानी औदारिक व वैक्रिक शरीर की या ठिकाणी आपण लिंग लावलं तर दोन समय जे होईल वैक्रिक संघात घेतलं होतं उत्कृष्ट काय सांगत होतो तो श्रेणी आरोप झाला रिटर्न झाला अंतिम समय में किया मरण किया वापिस वह देव्या नाट्य में उत्पन्न हुआ दो संघातन दो समय बताया
बराबर है बाकी सब वो एक समय अंतर मुहूर्त वो फिक्स है परिषातन का औदार एक शरीर का संघातन परिषातन तिरंजर मनुष्य की अपेक्षा एक समय कम तीन पल्ले है विभंग ज्ञान मध्ये वैक्रिक शरीर संघ दोन्ही एक एक समय आहे बरोबर आहे विभंग ज्ञान का अंतर्मुहूर्त काल कहा आया था भी क्रिया में आया था ना क्रिया में आया था द्वे हाँ तो उदर शब्द का संघातन परिषातन जो है आगे कितना दिया देखते विभंग ज्ञान योनि औदारिक और वैक्रिक शरीर की परिषातन कृति तथा वैक्रिक शरीर की संघातन कृति के प्ररूप नाम फिर ये चुंके समान ही मतलब जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और संघातन का एक समय यहाँ पर विभंग ज्ञान में एक ही समय बनेगा वैक्रिक शरीर का संघातन क्योंकि वह वैक्रिक विभंग ज्ञान आगे लेकर के नहीं जा रहा है औदारिक शरीर की संघातन परिषातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकालीन एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त यहाँ पर आया है ये मतलब थोड़ा सा मुझे ये रहा कि मतलब विभंग ज्ञान अंतर्मुहूर्त काल को लेते हैं वहाँ पर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता है सब भी आया था कृति वाला हाँ कृतियों में भी आया था ना मतलब किसी मिथ्या दृष्टि जीव को पूरे भाव तक नहीं रह सकता है विभंग ज्ञान मनुष्य इसमें अंतर्मुहूर्त ही आया ना यहाँ पर उस समय भी अपने चर्चा की थी इसलिए लिखा नहीं मुझे वो थोड़ा सा डाउट हुआ इसलिए अंतर्मुहूर्त लिखो वहां पर विभंग ज्ञानी में अंतर्मुहूर्त लिखना है वहां पर विभंग ज्ञानी में औदारी शरीर का संघातन परिषातन उसमें उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल खाली जगह छोड़ी है ना और वैक्रिक तेजस कारण का संघातन परिषातन कितना होगा वहां पर एक समय नाना जीव की अपेक्षा सर्व काल एक जीव की अपेक्षा एक समय एक समय कैसे लगाएंगे उपशम समय तो का काल एक समय रहा और दूसरे गुण स्थान में आया और एक समय रहा विभंग ज्ञान वहां पर नष्ट हुआ मतलब मर गया उपशम समय तो का काल एक समय शेष रहने तो उपशम समय तो से च्युत होकर सासाधन को प्राप्त हो उसके विभंग ज्ञान का जगने काल एक समय बनता है फिर वहां मतलब अवधि ज्ञान था और वहां पर आने पर उसको विभंग ज्ञान हुआ तो एक समय रहा और मरण हुआ आदिमोदी श्रुत और अवधिज्ञानी जीवों ने औदारिक और आहारक शरीर के तीनों पदों की प्ररूप मरण करना पड़ेगा ना उसको दूसरे में आने के बाद नहीं तो फिर वो ज्यादा विकार बनेगा ना उसका एक समय लगाना है ना वैक्रिय तेजस कर्म संगत परिषातन विभंग ज्ञान विभंग ज्ञान ही नष्ट व्हायचा करणार मरण होने पर ही विभंग ज्ञान नष्ट हो गया ना हाँ वह नरक में रह सकता है कुछ कम 33 सागर वहां पर अवैक्रिक मिश्र का योग का काल कम करेंगे पूरे 33 सागर तक मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान है उसको मनुष्य और तिरंजों में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं लिया है विभंग ज्ञान का देवों में भी रहेगा और नरकों में भी रहेगा मिथ्या दृष्टि में पूरे जीवन भर लेकिन मनुष्य और तिरंजों में अंतर्मुहूर्त ही लिया है पहली बार ऐसा वैक्रिक शरीर के तीनों पदों की प्रवृत्ति होते समान तेजस और कारण इसमें आपने बहुत दिक्कत पड़ रही क्या मनुष्य पर्याप्त के समान है वैक्रिक शरीर के तीनों पदों की प्ररूपना के समान तेजस्व कर्मण शरीर की संघातन परिषातन कृति का
नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से कुछ अधिक छात्र छात्रों के ऐसे सब लगा तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन सबको भागने की जल्दी रही है तो एक एक का लगाना चाहिए, फिर वो फिक्स होता है अपने दिमाग में। कौन गलत नहीं है, जो हो गए विषय विषय कितने कौन कौन पढ़ते हैं, नंतर नहीं पढ़ते आगे पढ़ते। एक बार या ये संस्कार बन जाता है ना। मन पर एक ज्ञानी होगी औदारिक शरीर की परिशातक कृति और वैतरिक शरीर के तीनों पदों की प्रवृत्ति मनुष्यों के समान इसका मन पर ज्ञान में औदारिक शरीर का परिशातक वैतरिक शरीर का परिशातक होगा, तीनों पद वैतरिक के तीनों पद होंगे और औदारिक के दो पद होंगे, परिशातन और संघातन परिशातन। तो मन पर ज्ञानी हमेशा रहते हैं नाना जो की अपेक्षा, इसलिए उसका औदारिक क्षेत्र का परिशातन और वैदिक क्षेत्र का परिशातन सर्वकाल होगा। मतलब ये चार वृद्धिधारी मुनि वगैरह विक्रिया करते हैं उस अपेक्षा से होता होगा ना। तो सर्वकाल दिया है और जगने काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वैदिक क्षेत्र के संघातन का जगने काल कितना है, एक समय और उत्कृष्ट संख्या समय, तो लगातार उत्पन्न किए दो संख्या ही होते है ना मन पर ज्ञान, इसलिए संख्या समय। जगने काल एक समय, उत्कृष्ट काल भी एक जीव की अपेक्षा एक समय। वैग्रिक क्षर के संघातन परिशातन का जगने काल कितना है, सर्वकाल। वैग्रिक क्षर का संघातन परिशातन मतलब कोई ना कोई विक्रिया करते हुए हमेशा पाए जाएंगे मुनि, इसलिए सर्वकाल दिया है इसका। सर्वकाल गलत तो नहीं हुआ ना, सर्वकाल है ना नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जगन से एक समय से। कुछ कम पूर्वकोटि काल तक मन पर ज्ञान रह सकते ना, 8 वर्ष के बाद संयम धारण करने के बाद तुरंत मन पर ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो पूर्ण पूर्वकोटि काल तक रह सकता है। कब रहता है, औदारिक का संघातन परिशातन, उसमें कुछ कम पूर्वकोटि काल है। वो तो अंतर्मूर्त हमेशा वो मनुष्य में वैग्रिक क्षर का संघातन परिशातन अंतर्मूर्त ही होगा, औदारिक क्षर का परिशातन भी अंतर्मूर्त, वैग्रिक क्षर का परिशातन भी अंतर्मूर्त, ये फिक्स है सब जगह। जगने काल खाली एक समय और उत्कृष्ट काल सब जगह वो अंतर्मूर्त ही रहेगा, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। देव और नारद के आएंगे तो ही वहां पर संघातन परिशातन ज्यादा, उनके जो जितनी आयु है उतने काल प्रमाण रहेगा। तेजस कारमन का संघातन परिशातन कितना रहेगा मन पर ज्ञान में, जगन्य अंतर्मूर्त, क्योंकि मन पर ज्ञान हुआ और अंतर्मूर्त में वहां पर एक तो मोक्ष चला गया या रुजुमति मन पर ज्ञान है वो छूट सकता है, वो अपेक्षा अंतर्मूर्त का है। और उत्कृष्ट काल कितना है, कुछ कम पूर्वकोटि का है। अब संयतों में लगाना है, संयतों में मन पर ज्ञान के समान ही लगेगा। मन पर ज्ञान में आहारक का पद नहीं है कोई भी, इसमें संयतों में आहारक के पद है। आहारक का संघातन कितने काल तक होगा, एक समय, ज्यादा से ज्यादा संख्या समय, एक जीव की अपेक्षा एक समय। आहार का परिशातन नाना जीव की अपेक्षा एक समय, एक जीव की अपेक्षा भी एक समय जगत में, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त दोनों भी, और संघातन परिशातन जगने में अंतर्मूर्त उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। आरक्ष शरीर के संघातन परिशातन का जगने काल भी अंतर्मूर्त ही है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है। तेजस कारमन का परिशातन वहां पर भी सब अंतर्मूर्त है, जगने भी और उत्कृष्ट भी, 14वें गुण स्थान में है ना। अब सामयिक क्षेत्र स्थापना में वहां पर वो ही है, कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष काल में इसी प्रकार सामायिक छेदों की स्थापना शुद्धि संयोग जीवों की प्ररूपना करना चाहिए।
विशेष इतना है कि इनमें उनमें तेजस्व कर्म शरीर की परीक्षातन कृति नहीं होती नवे गुण स्थानांतरण इसलिए तेजस्व कर्म शरीर की संघातन परीक्षातन कृति का जनन से एक समय काल ही और उत्कृष्ट से भी वही पूर्वोक्त आराम जानना चाहिए वैसे लेना वैसे ही एक समय कैसे लेना उपशांतरण से उतरा मरण हुआ और एक समय में मरण हुआ तो एक समय ही वहां पर तेजस कर्म का परिशातन संघातन परिशातन रहा जिसमें सामयिक और छेद साधना सही है। परिहार श्रुति सहितों ने अवधारित तेजस और कर्म शरीर की संघातन परिशातन त्रुटि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल परिहार शुद्धि वाले सदैव रहेंगे जीव एक जीव की अपेक्षा जनन से अंतर्मुर्त उत्कृष्ट से कुछ कम एक गुणों को ही खाने अभिविधेय क्षेत्रों में है ना सब सूक्ष्म सांप्रदायिक शुद्धि संयुक्तों में अवधारित तेजस व कर्म शरीर की संघातन परिशातन स्मृति का नाना व एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल में यथाचार विहार शुद्धि संयुक्तों की प्ररूपना केवल ज्ञानियों के समान है विशेष इतना है कि इनमें अवधारित तेजस व कर्म शरीर की संघातन परिशातन कृतियों का काल जघन्य से एक समय है संयता से ग्यारहवें गुण स्थान में गया और मरण हो गया इसलिए एक समय आएगा यहाँ पर वह केवल ज्ञानियों में नहीं आएगा वैसा वह केवल ज्ञानियों में जघन्य अंतर्मुर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकृति होगा संयता से जीवों में अवधारित शरीर की परिशातन कृति तथा अवधारित तेजस व कर्म शरीर संबंधी संघातन परिशातन कृति के प्ररूपना मनप्रय ज्ञानियों के समान है इनमें वैक्रिय शरीर के तीनों पदों की प्ररूपना तिर्यंचों के समान है असंयत जीवों में अपने अपने पदों की प्ररूपना ओ के समान संयता संयत जीवों में कितना काल होगा वैक्रिय शरीर वो तो वैक्रिय शरीर की अपेक्षा तो सब अंतर्मुख रहिए संघातन का एक समय और परिशातन का और संघातन परिशातन का अंतर्मुक्ति काल होता है लेकिन इसका कितना रहेगा औदारिक शरीर की परिशातन कृति औदारिक शरीर तेजस और कर्म की संघातन परिशातन कृति इनका कितना होगा कुछ कम पूर्व कोटि काल तक तिरंचों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल होगा मनुष्यों की अपेक्षा आठ वर्ष कम पूर्व कोटि होगा तिरंच का ज्यादा रहता है अंतर्मुक्त कम पूर्व कोटि चक्षुदर्शनी जीवों में औदारिक शरीर संबंधी संघातन कृति की प्ररूपना पुरुष वेदियों के समान है शेष पदों की प्ररूपना ओ के समान है विशेष इतना ही कि इसमें चक्षुदर्शनी जीवों में अपने अपने पदों की प्ररूपना ओ के समान है उसमें सब जीव आएंगे तो औदारिक शरीर का संघातन सर्वकाल बनेगा बाकी का सर्वकाल बनेगा केवल संघातन का जो है वो एक समय और अवली का संघात रहेगा विशेष इतना है कि उनमें तेजस व कर्म शरीर की परिशातन कृति नहीं होती तेजस व कर्म शरीर की दर्शन में तेजस कर्म शरीर की चौदह गुण स्थान नहीं है तेजस व कर्म शरीर की संघातन परिशासन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव के सामान्य का भी एक बार दिमाग में बिठाना चाहिए फिर वो जहाँ पर भी वो भी आता है तो वैक्रिय क्षेत्र का संघातन परिशासन कितना है एक समय कम 33 आता और अवधारित क्षेत्र का संघातन परिशासन कितना है एक समय कम 3 पद्य और की अपेक्षा जो पृष्ठ बताए वहाँ और बाकी सब अंतर्मुक्त है और तेजस कर्म संघातन परिशातन वहां तो और नहीं उसमें जितना मार्गना का काल है ना उतना आता है मार्गना का काल कितना है यहाँ पर 2000 सागर दस पर्याय का काल एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट से 2000 सागर का काल है चक्षुदर्शनी जीवों की प्ररूप नाको के समान विशेष इतना है कि उनमें तेजस व कर्म शरीर की परिशातन होती अभी कृष्ण ने आपको इतना लगाते 5 मिनट में कृष्ण नील कापोतिया ने अवधारित क्षेत्र का संघातन उसमें नाना जीव की अपेक्षा चिन्हाएगा सर्वसाधन दो जीव हमेशा रहेंगे एक जीव की अपेक्षा एक समय ही रहता है हमेशा उत्कृष्ट भी और जगह भी एक समय
औदारिक शरीर का परिशातन और वैकरिक शरीर का परिशातन दोनों में हो, तो यहाँ पर नारा जीव की अपेक्षा सर्वगा, एक जीव की अपेक्षा जगन्य, एक समय उत्कृष्ट और अब वैकरिक शरीर का संघातन परिशातन वो कहा होगा नरक में, कृष्ण रेशा कहाँ पर होती है सातवें नरक में, तो वहां पर उत्कृष्ट काल कितना है और जगन्य काल कितना है वहां पर, वो वहां पर है लेकिन यहाँ कृष्ण रेशा मनुष्य के रेंज में भी होती है ना, उसकी अपेक्षा एक समय आएगा, जगन्य काल सब एक समय आएगा ना मनुष्य तिरंज की अपेक्षा, किसी भी रेशा में वो गया और वहां पर वैदिक शरीर संघातन परिशातन हुआ और मर गया, एक समय रहा और उत्कृष्ट काल नरक की अपेक्षा है वहां पर 33 सागर, लेकिन यहाँ से लेके जाएगा ना, लेकिन वहां पर बीच में ये नहीं होगा ना संघातन होगा वहां पर, इसलिए संघातन परिशातन लगातार नहीं आएगा, तेजस कारण का संघातन परिशातन का ज्यादा कारण है, दो अंतर्मूर्त आदि आएंगे जाते समय एक अंतर्मूर्त आने के बाद एक अंतर्मूर्त, इसलिए कृष्ण रेशा का कितना आएगा एक समय कम 33 सागर और नील रेशा का कितना आएगा पांचवें नरक में, पांचवें नरक में एक समय कम 17 सागर और तीसरे नरक में तीसरी पृथ्वी में कापत रेशा का एक समय कम 7 सागर, ये उत्कृष्ट काल होगा और जगन्य काल सब जगह एक समय संघातन और तेजस कारण का संघातन पुरुषातन कुछ अधिक 33 सागर कुछ अधिक 17 सागर कुछ अधिक 7 सागर, कुछ अधिक में दो अंतर्मूर्त रहना जाते समय एक अंतर्मूर्त आने के बाद एक अंतर्मूर्त, कृष्ण रेशा का जो उत्कृष्ट काल है वही वहां पर तेजस कारण के संघातन पुरुषातन पूर्ति का उत्कृष्ट काल होता है। प्रथम तीन लेशायुक्त जीवों में औदारिक शरीर संबंधी संघातन कृति की प्ररूपना वो भगे समान है, औदारिक व वैकरिक शरीर संबंधी परिशातन कृति तथा औदारिक शरीर के संघातन परिशातन कृति का नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा इनका काल जगन से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त मनुष्य में लेशा का काल उत्कृष्ट कितना है अंतर्मूर्त है, इसलिए औदारिक शरीर का संघातन परिशातन कितना होगा उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल होगा, वैकरिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना वो के समान संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से क्रमशः एक समय कम 33 एक समय कम 17 और एक समय कम 17 चाहिए और 70 हो ऐसा होना 17 ऐसा होता है ना और एक समय कम चाहिए 7 सागर कम कार्य तेजस्व कर्म शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, अपेक्षा लेगा ना वहां पर एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर्मूर्त उत्कृष्ट से क्रमशः कुछ अधिक 33 कुछ अधिक 17 व कुछ अधिक 7 सागर अब तेज रेशा पद्म रेशा, तेज रेशा पद्म रेशा में कैसा होगा वहां पर सब बाकी का तो इसके समान है, एक समय जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, लेकिन केवल वैकरिक शरीर का संघातन परिशातन है वो दूसरे स्वर्ग की अपेक्षा से वहां पर एक सागर की साधिक एक सागर है ना वहां पर तेज रेशा का और पद्म रेशा का बारहवे स्वर्ग की अपेक्षा से साधिक कितना है ना 16 सागर है ना 18 सागर होगा कुछ अधिक 2 सागर को हाँ तेज रेशा का 2 सागर को और पद्म रेशा का 18 सागर को और शुक्ल रेशा का 33 सागर को तेज और पद्म रेशा वालों में औदारिक और आकारक शरीर संबंधी संघातन कृति की प्ररूपना अभिज्ञानियों के समान औदारिक व वैकरिक शरीर की परिशातन कृति तथा औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति की प्ररूपना कृष्ण रेशा वाले जीवों के समान है, मतलब अंतर्मूर्त है जगन एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त और वो भी वैकरिक संघातन का भी उत्कृष्ट दो समय लगाना एक जीव की अपेक्षा वैकरिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना वो के समान है, वैकरिक शरीर की संघातन परिशातन कृति की नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल में एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और उत्कृष्ट से क्रमशः कुछ अधिक 2 और कुछ अधिक 18 सागरोपम काल में आहार शरीर की परिशातन जलेशा का 2 सागर लगाना पद्मलेशा का 18 आहार शरीर की परिशातन और संघातन वहां पर एक समय अगर कम नहीं बोलते ना वहां पर कुछ अधिक में वो आ जाता है
संघातन परिशातन कृति की प्ररूपना मनोयोगियों के समान है। तेजस व कर्मा शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगने से अंतर्मुख और उत्कृष्ट से कुछ अधिक दो और कुछ अधिक 18 सार्वरूपम प्रमाथी शुक्ल रेशा वाले जीव जो परिशातन हो गया एक समय और अंतर्मुख से एक समय और वो तो सब जगह अंतर्मुख ही है और शुक्ल रेशा में भी हो गया। शुक्ल रेशा में अवधार शर का संघातन परिशातन कितना होगा या विचार करके बोलो। शुक्ल रेशा में अवधार शर का संघातन सभी बाकी रेशा में तो अंतर्मुख बताया कृष्ण ने काबो तेज पद्म में अवधार शर का संघातन पुरुषातन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता क्योंकि रेशा अंतर्मुहूर्त में बदलते शुक्ल रेशा में बदलते कि नहीं। हाँ तो तेरहवें गुणस्थान में शुक्ल रेशा एक ही रहती है तो कुछ कम पूर्वकोटिकाल 8 वर्ष कम पूर्वकोटिकाल वहां पर शुक्ल रेशा में अवधार शर का संघातन पुरुषातन होता है और तेजस कर्मन का संघातन परिशातन भी होता है लेकिन यहाँ पर उससे भी अधिक मिलता है कहाँ देवर नारकिवन में नहीं देवों में कुछ अधिक 33 सालों जाते समय एक अंतर्मुहूर्त आने के बाद एक अंतर्मुहूर्त शुक्ल रेशा वाले जीव में औदारिक और आहारक शरीर की संघातन वृत्ति की प्ररूपना अवधि ज्ञानियों के समान औदारिक और एकरेक शरीर समान समान मंत्र के लिए आवड़ जाते तुमची पहिले औदारिक और वैकरिक शरीर की परिशातन कृति की प्ररूपना वो भी समान औदारिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्वकोटि काल वैकरिक शरीर की संघातन कृति की प्ररूपना वो भी समान वैकरिक शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा जगने से एक समय और उत्कृष्ट से एक समय कम 33 सार्वभौम काल है। एक बार मार्गना का सब मार्गना का काल याद करो जगने काल और उत्कृष्ट काल मार्गना मार्गना का काल नर गति का ज्यादा कितना है देव गति का स्त्री वेदी का पुरुष क्योंकि ये बार बार आएगा महाबंध आप सब पढ़ेंगे ना सब में यही आएगा सब क्षेत्र संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव स्थिति बंध में भी आएगा अनुभाग बंध में आएगा सभी में आएगा सभी कर्म हाँ सातवें पुस्तक में भी है मार्गनाओं का कार्य आहारक शरीर की परिशातन संघात है और उसमें है कि पहले अपना चौथी पुस्तक तीसरा चौथा हो गया ना एक बार वो सब मार्गना का आता है ना लेकिन मार्गनाओं में गुणस्थान का होता है उसमें मार्गना खाली मार्गना का वो सातवें पुस्तक में है आहारक शरीर की परिशातन और संघातन परिशातन कृति की प्ररूपना मनोयोगियों के समान तेजस व कर्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल एक जीव की अपेक्षा जगने से अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट से कुछ अधिक 33 सार्वभौम काल भव्य सिद्धि जीवों की प्ररूपना हो की समान विशेष इतना है कि तेजस व कर्मण शरीर की संघातन परिशातन अनादि अपरिवर्तित है अभव्य जीव कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते अनादि